अभी बताओ भाई अभी ऑडियो क्लियर है हाँ, अभी ऑडियो क्लियर है सभी लोग को एक बार कंफर्म कर दो तो भाई देखो हमने इसका पार्ट वन जो है लास्ट लेक्चर में कर लिया था जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कवर किया था हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कवर किया था हमने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कवर किया था उनके सारे कॉन्सेप्ट भी हमने देखे थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे थे अब इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे पार्ट नंबर टू करेंगे इसके अंदर मैं चार इंस्ट्रूमेंट्स पे मेजरली बात करने वाला हूं थर्मल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट एंड योर एनर्जी मीटर तो बेटा इसके बाद ना आपकी ये यूनिट जो है मेजरमेंट की सबसे बड़ी यूनिट ये आपकी वाइंड अप हो जाती है ये यूनिट आपकी कवर अप हो जाती है जिसके बाद हम लोग बाकी यूनिट्स पर फिर चर्चा करेंगे तो आप यह मान के चलो मेजरमेंट का 30-40 परसेंट कोर्स तो यही यूनिट है आपकी तो आज के सेशन के बाद आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर मेजरमेंट में से क्वेश्चन आता है गेट में तो इवन विथ दिस नॉलेज आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बेटा एक बार लाइक कर देंगे अपनी अटेंडेंस सेट कर देंगे और सेशन के लिंक को शेयर कर देंगे बता देंगे सबको कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं और मेजरमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की आप लोगों ने इतने समय से डिमांड किया वो सब्जेक्ट आप लोगों का रनिंग है चलिए तो इससे पहले मैं शुरू करूं बेटा मैं आपको बता दूं जो भी गेट 24, 25 वाले बच्चे अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन सेव अप टू तो 30 परसेंट क्योंकि हमने प्राइजेस कर दिए हैं कम तो अभी अगर आप अनडमी ज्वाइन करते हो बेटा यूजिंग कोड अंकित तो आपको बहुत कम फीस देना पड़ेगा और आप लोग बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को परस्यू कर सकते हैं और अगर आई है आपका सपना तो बेटा आप गेट ई और यूपीएससी का कॉम्बो परचेस कर सकते हैं जिसमें कि आपको 39 परसेंट की छूट है अगर आप कोड लगाते हो अंकित ई और इसमें यह मत सोचना सिर्फ आई कवर होगा इसमें ना आपके चार एग्जाम कवर होंगे गेट इंजीनियरिंग सर्विसेस आई आर एम एस एंड सिविल सर्विसेज यह चार एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे इफ यू टेक दिस कॉम्बो ठीक है और इस संडे हो रहा है भाई आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अट्ठारह तारीख यानी कि कल तो कल आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा और इस बार इसके अंदर खासियत क्या है स्कॉलरशिप भी है तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट के अंदर वो लोग को अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड दे कैन दे कैन देन अटेंड आर रिविजन कोर्सेज दे कैन देन अटेंड आर टेस्ट सीरीज और हमारे साथ मिलकर आप तैयारी कर सकते हो ताकि अपनी रैंक को और इंप्रूव कर पाओ अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप लोग एनरोल कीजिए फटाफट से यूजिंग द कोड अंकित ईस ई बहुत आसान है चलिए शुरू करें फिर भाई शुरू किया जाए शेल वी स्टार्ट आर यू गाइज रेडी ठीक है तो पहले हम बात करें बेटा थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स की तो थर्मल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट हीटिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं यानी यहां पे हम जब बात करते हैं हीट की ठीक है विकास मेरे भाई मैं डेली क्लासेस के अंदर पावर सिस्टम ले रहा हूं तो वीक में एक सेशन में, में मेजरमेंट का ले सकता हूं आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि हर रोज जो है मैं तीन से चार घंटे का मैराथन लगा के रखूं और गेट से गेट में ही चाहिए ना तुम्हें चार पांच नंबर गेट से पहले अगर चार पांच नंबर की तैयारी हो भी गई तो क्या कर लोगे ठीक है और गेट में मेजरमेंट वैसे भी हो सकता है चार पांच नंबर का छोड़ो एक या दो नंबर का ही आए तो ऐसा तो है नहीं कि तुम अगर अभी खत्म कर लोगे मेजरमेंट तो गेट में चार पांच में से भी दस ले आओगे तो बेटा जितना हो सकता है वो चीज़ें मैं उतनी बेस्ट वे में प्रोवाइड कर रहा हूं बट थोड़ा सा डिमांड भी आप लोग सोच समझ के किया करो कि ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है फिर भी आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हो भाई चलिए वापस आते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट बेटा हीटिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं दे आर सेट टू बी थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स तो यहां पे क्या करते हैं जो करंट आपको मेजर करना है बेटा उसको एक रेजिस्टेंस से आप फ्लो कराते हो किससे फ्लो कराते हो एक रेजिस्टेंस से फ्लो कराते हो जहां पे कि वो करंट पैदा करेगा हीट अब इस हीट को किसी प्रकार से हम लोग रीडिंग में ट्रांसलेट करेंगे किसी तरह से इस हीट को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज करेंगे दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक द रीडिंग अब मजे की बात यह होती है जो ये हीट प्रोड्यूस होती है बेटा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ठीक है आई स्क्वायर आर जो होता है आपका दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी तो ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे कैन बी यूज टू मेजर द हाई फ्रीक्वेंसीज तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था बेटा कि आपके जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है दे कैन ओनली मेजर अप टू 125 ट्वेंटी फाइव और वहीं अगर इससे हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है मे बी इन द रेंज ऑफ किलो हर्ट्स मे बी फाइव हंड्रेड हर्ट्स देन यू विल मेक यूज ऑफ द थर्मल इंस्ट्रूमेंट ठीक है आप देखो इसमें पहली कैटेगरी होती है बेटा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि आपके पास ना एक वायर होती है जैसे यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं आपके पास ये वायर है ठीक है अब ये जो वायर है आप इसके अंदर करंट फ्लो कराते हो ये वायर किससे बनी होती है बेटा ये बनी है प्लैटिनम और इंडियम के एलॉय से तो ये जो वायर है दिस कंटेन्स प्लेटिनम एंड इंडियम अब इसमें से जब भी करंट फ्लो करेगा मेरे बच्चों तो ये वायर क्या होगी हीट अप होगी और जब जब वायर हीट अप होती है ना तो वायर की लेंथ हो जाती है इंक्रीज तो ये वायर हीट अप होने के कारण द लेंथ ऑफ द वायर इज गोइंग टू इंक्रीज वायर में जब लेंथ इंक्रीज होगी बेटा तो ये वायर का सैग बढ़ जाएगा क्या होगा वायर का सैग बढ़ जाएगा ठीक है अब जैसे जैसे वायर का सैग बढ़ता है बेटा तो यहां पे ना एक पुली लगा हुआ है आपका यहां पे क्या लगा है एक पुली लगा है तो ये पुली नीचे की तरफ सरकता है एक तरह से वायर का सैग बढ़ने से इस पुली पे क्या लग रहा है टॉर्क सैग बढ़ने से पुली नीचे की तरफ सरकता है और इसके मोशन को अपोज करता है ये स्प्रिंग अब जैसे जैसे आपका पुली सरकता है वैसे वैसे पॉइंटर आपका मूव करेगा एक स्केल पे ठीक है और डिफ्लेक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू करेंट स्क्वायर सर करेंट स्क्वायर क्यों हुआ क्योंकि बेटा आपका यहां पे जो हीट प्रोड्यूस होगा दैट इज आई स्क्वायर आर तो जब आप हीट के बेसिस पे काम कर रहे हो तो आपका करेंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन आएगा अब एक बात को और समझेंगे बेटा आई स्क्वायर के कारण इट कैन मेजर डी सी एज वेल एज ए सी और एसी के, के केस में क्या मेजर करता है आरएमएस करंट लॉजिक क्लियर हुआ जैसे मूविंग आयरन में याद है आपका आई स्क्वायर आया था तब मैंने आपको वहां पे बोला था कि करंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव टॉर्क आपका पॉजिटिव ही बनेगा जिसका मतलब ये हुआ कि यू कैन मेजर एसी एज वेल एज डीसी एंड इन केस ऑफ एसी यू कैन मेजर आरएमएस अब इस इंस्ट्रूमेंट के फीचर क्या होते हैं बेटा यहां पे स्लो रिस्पॉन्स होता है स्लो रिस्पॉन्स क्यों होता है देखो पहले आप करेंट फ्लो कराओगे अब आप करेंट जब फ्लो कराओगे उससे वायर हीटअप होगी हो वायर हीटअप होगी हो उससे वायर एक्सपैंड होगी वायर एक्सपैंड होगी तब पुली मूव करेगा जब पुली मूव करेगा तब जाकर के पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा तो इट हैज अ स्लो रिस्पॉन्स ठीक है यहां पे आपका स्प्रिंग प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग टॉर्क और एयर प्रोवाइड करती है डैम्पिंग एंड इट कैन मेजर बोथ ए सी एंड डीसी एंड फॉर ए सी इट मेजर्स आर एम एस और क्या बात है इट कैन मेजर हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि यहां पे जो रीडिंग आती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी यह बात क्लियर हो गई सबको द रीडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इसीलिए यू कैन यूज इट टू मेजर द हाई फ्रीक्वेंसी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बेटा आप एम मीटर और वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हो बट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी बट देन अगेन देखो इसका एक ड्रॉबैक भी है ड्रॉबैक है कि ये काफी स्लो होता है इसीलिए इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्लियर है चलो अब आते हैं थर्मोकपल पे अब अगर देखो आपने करंट को रेजिस्टेंस से फ्लो करा के हीट बना ही लिया है तो उस हीट को तो आप थर्मोकपल से भी मेजर कर सकते हो अब ये थर्मोकपल क्या बला है थर्मोकपल होता है बेटा एक जंक्शन दो डिफरेंट मेटल का अब यहां पे क्या होता है ना ये जो दो मेटल का जंक्शन है इसमें एक जंक्शन को आप हाई टेम्परेचर पे रखते हो उसको कहते हैं हॉट जंक्शन दूसरे को लो टेम्परेचर पे रखते हो इसको कहते हैं कोल्ड जंक्शन अब जब बेटा दो मेटल का जंक्शन अलग अलग टेम्परेचर लगाया जाता है उसके दोनों एंड पे तो वहां पे एक प्रोड्यूस होती है ना डीसी वोल्टेज क्या प्रोड्यूस होती है आपकी डीसी वोल्टेज अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा इसको हम लोग कहते हैं सी बैक इफेक्ट क्या बोलते हैं सी बैक इफेक्ट अब ये सी बैक इफेक्ट क्या चीज है देखो आप बात को समझना आपने दो अलग अलग मेटल लिए दोनों मेटल के अंदर अलग अलग चार्ज डेंसिटी होगी किसी के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी के अंदर कम इलेक्ट्रॉन होंगे जब बेटा आप दो मेटल के जंक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हो तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है एंड दे मूव टूवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर ये हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ भागते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर टेम्परेचर वाले जंक्शन पे पहुंचते हैं तो यहां जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं अब मान लो ऊपर वाले मेटल में कम इलेक्ट्रॉन थे नीचे वाले में ज्यादा थे तो नीचे आके 10 इलेक्ट्रॉन जमा हो गए ऊपर आके पांच ही इलेक्ट्रॉन जमा हुए तो इलेक्ट्रॉन कहा ज्यादा है नीचे एज कंपेयर टू ऊपर तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा एक पोटेंशियल डिफरेंस तो अगर आप दो सेम मेटल जोड़े होते तो सेम मेटल में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता क्योंकि दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो यहां पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जमा होते लेकिन अलग अलग मेटल जोड़ने से उनके इलेक्ट्रॉन का काउंट अलग होता है दैट इज वाई यू सी अ पोटेंशियल डिफरेंस अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है बेटा ये टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है तो देखो के वन इंटू टी वन माइनस टी टू प्लस के टू टी वन माइनस टी टू का स्क्वायर तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना हायर पावर्स को इग्नोर कर देते हैं तो यहां पे जो डीसी वोल्टेज आती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मुझे बताओ ये समझ आया जो डीसी वोल्टेज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अब ये जो हॉट जंक्शन है बेटा इसको आप हीट कैसे कर रहे हो समझिएगा आपको ना यहां पे एक करंट है जो कि आपको रीड करना है सपोज वन ये वन आपने हीटर से फ्लो कराया आपने वन को क्या कराया आई वन फ्लोज थ्रू आ हीटर आपने वन को एक हीटर से फ्लो कराया अब इससे क्या होगा हीट पैदा होगी इससे क्या होगा हीट पैदा होगी ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉसेस हीट इज प्रोड्यूस्ड ठीक है अब इससे क्या होता है थर्मोकपल का जो हॉट जंक्शन है वो गर्म हो जाता है ठीक है यहां पे क्या होता है टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इंक्रीजेस अगर टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इंक्रीज होगा बेटा तो ये जो थर्मोकपल है ये यहां पे क्या देगा एक वोल्टेज देगा और ये वोल्टेज को आप लोग कैसे रीड कर लोगे बाय मींस ऑफ अ पीएमएमसी मीटर पीएमएमसी मीटर ठीक है गुरुराज बेटा ये मैराथन की फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ही है बस क्या है कि इसका एक लेक्चर ऑलरेडी लग चुका है जो पिछले संडे को लगा था वो भी अगर आप देख लोगे तो बेहतर रहेगा बट अगर नहीं भी देखा है तो भी ये लेक्चर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ठीक है तो दिस इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव और इसमें फर्क क्या है वहां हम एक एक घंटा रोज करते यहां पे हम तीन तीन चार चार घंटा रोज करके थोड़ा फास्ट निपटा लेंगे बस इतना ही फर्क है ठीक है तो ये जो है डीसी वोल्टेज है जो कि आप एक पीएमएमसी मीटर से रीड कर लोगे और फिर क्या करो पीएमएमसी मीटर को कैलिब्रेट किसकी टर्म्स में कर दो करंट के टर्म्स में कर दो ठीक है करंट के टर्म्स में कर दो तो ये बात क्लियर हो गई क्योंकि बेटा ये अगेन हीट पे डिपेंड कर रहा है तो इट कैन मेजर बोथ एसी सी एज वेल एज डीसी और एसी के लिए क्या मेजर करेगा आर तो आपको ना बेसिक चीज याद रखनी है कि जितने भी थर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे विल ऑलवेज मेजर द आर वैल्यू इस पे मैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता हूं एग्जाम के अंदर मैं आपको एक वेब फॉर्म दे दूंगा थर्मल मीटर दिस वेवफॉर्म फॉर्म इज अप्लाइड टू अ थर्मो कपल मीटर फाइंड द रीडिंग ऑफ द मीटर तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस वेवफॉर्म फॉर्म का मुझको आर लेना है अगला होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर ये काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे जैसे आपने देखा अब तक ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट आपके मैग्नेटिज्म पे काम करते थे वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर किस पे काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे अब यहां पे क्या होता है बेटा दो प्लेट्स होती हैं एक होती है प्लेट फिक्स एक होती है मूविंग जस्ट जैसे समझो एक कैपेसिटर है कैपेसिटर की दो में से एक प्लेट आपने फिक्स रखी और एक मूविंग है अब जो मूविंग वाली प्लेट है जब वो घूमने की कोशिश करती है उसे रोकने की जिम्मेदारी होती है स्प्रिंग की किसकी जिम्मेदारी होती है स्प्रिंग की तो स्प्रिंग विल प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क इसका यूज क्या होता है इट इज यूज फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेज तो इसीलिए यहां से पता है हम हमेशा क्या बनाते हैं वोल्ट मीटर बनाते हैं क्या बनाते हैं हमेशा वोल्ट मीटर सर हाई वोल्टेज ही क्यों बेटा हाई वोल्टेज इसलिए ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स बनता है ना वो बहुत कम होता है इसीलिए तो मशीन्स वगैरह में हमेशा मैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी कमजोर फील्ड होती है लेकिन अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस हद तक बन जाए कि वो एक प्लेट को मूव करा दे या वो एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम आ जाए तो वहां पे आपको इतनी हाई वोल्टेज लगानी पड़ेगी इन द रेंज ऑफ केवी जिससे कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाए लॉजिक समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाला फोर्स अक्सर काफी कम होता है तो अगर आप इससे प्लेट मूव कराना चाहते हो तो यू नीड अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच यू नीड अ हाई वोल्टेज जिसका रेंज किसमें होना चाहिए केवी में किसमें रहना चाहिए भाई केवी में रेंज होना चाहिए इसके लिए ये हाई वोल्टेज मेजरमेंट के काम में आता है सर हाई वोल्टेज कहां मेजर करनी पड़ेगी बेटा पावर सिस्टम में मेजर करनी पड़ सकती है मशीन के अंदर मेजर करनी पड़ सकती है क्योंकि मशीन और पावर सिस्टम में यूजली हम लोग केवी में वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं तो देखो इसका एक सिंपलिस्टिक अरेंजमेंट हमने यहां पे दिखाया है जैसे ये वाली प्लेट आपकी फिक्स्ड है ये मूविंग है अब आपको तो पता है ना कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होता है तो ये जो मूविंग प्लेट है इस इसपे फोर्स लग रहा होगा इस टाइप से टूवर्ड द फिक्स प्लेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये प्लेट मूव करने की कोशिश करेगी जब ये प्लेट मूव करने की कोशिश करेगी तो स्प्रिंग प्रोवाइड करेगा कंट्रोलिंग टॉर्क ठीक है तो पिछले वाला सिस्टम क्या था ना पिछले वाला रोटेशनल सिस्टम था देखो यहां तो मैंने लीनियर मोशन दिखा दिया ना आपको यहां तो मैंने आपको लीनियर मोशन दिखा दिया रोटेशनल मोशन में क्या होता है वो भी समझाता हूं ध्यान से समझना देखो जब दो प्लेट्स आपके पास होती हैं जिनके अंदर पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होता देखो जैसे ये ये वाली आपकी फिक्स्ड है प्लेट ठीक है एक प्लेट आपकी मूविंग है तो जब बेटा आप इस पर एक वोल्टेज अप्लाई करोगे ना तो ये मूविंग प्लेट क्या कोशिश करेगी पूरी तरह से फिक्स के साथ ओवरलैप करने का ये ना अपना ये ओवरलैप वाला एरिया मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ एट्रेक्शन जिसके लिए इस मूविंग प्लेट को ना घूमना पड़ता है एक सेकेंड हमने ऊपर वाली मूविंग दिखाई है चलो कोई बात नहीं ये वाली फिर फिक्स हो जाएगी हमारी ठीक है तो ये वाली मूविंग है ठीक है ये वाली आपकी मूविंग है तो देखो यहां पे क्या होगा ये मूविंग प्लेट जो है ना ऐसे आने की कोशिश करेगी इन ऑर्डर टू मैक्माइज द ओवरलैपिंग एरिया अब आपने मूविंग प्लेट के साथ क्या जोड़ रखा है एक पॉइंटर तो जब ये मूविंग प्लेट रोटेट करती है टू ओवर टू मैक्माइज द ओवरलैप एरिया इन सच अनेरियो दर विल ऑल्सो मूव तो हम यही तो चाहते हैं पॉइंटर मूव करें अब इसके अंदर देखो क्या होता है आपकी जो कैपैसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होती है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर तो क्या होता है जब प्लेट बेटा ऐसे रोटेट करके इसके पैरेलल आने की कोशिश करती है या दोनों प्लेट ओवरलैप करने की कोशिश करती हैं तो ओवरलैपिंग से क्या होता है ना इनका ओवरलैप एरिया बढ़ता है ओवरलैप एरिया बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ती है आप ऐसे सोचो एप्सिलन ए बाय डी ए क्या होता है ए इज द ओवरलैप एरिया बिटवीन द टू प्लेट्स ठीक है कैपेसिटेंस होती है एप्सिलन ए बाय डी जहां पे कि ए होता है कॉमन एरिया और ओवरलैप एरिया और ओवरलैप एरिया बिटवीन टू प्लेट्स ठीक है तो अगर आपका कॉमन एरिया बढ़ेगा या ओवरलैप एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी व्हाट अबाउट वोल्टेज सर वोल्टेज बेटा फिक्स रहेगी क्योंकि वोल्टेज तो मैंने अप्लाई की है ना जो वोल्टेज में मेजर करना चाहता हूं वो वोल्टेज तो मैंने अप्लाई की है तो जो भी क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट होती है वो नहीं चेंज होती इंस्ट्रूमेंट की वजह से दैट रिमेंस सेम तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो कैपेसिटेंस है बेटा हाफ सीवी स्क्वायर मेरे पास कैपेसिटेंस है, है जो कि थीटा का फंक्शन है तो मैंने बोला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए जैसे मूविंग आयरन में किया था डी यू बाई डी थीटा तो ये हो गया हाफ वी स्क्वायर डीसी बाय डी थीटा मुझे बताइए ये बात क्लियर हुई ये टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर हुआ दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू मूविंग आयरन वहां था हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा यहां हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी थीटा दिस इज सिमिलर टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ठीक है अब बेटा आप क्या कहते हैं कि स्टेडी स्टेट के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क यानी हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी थीटा इक्वल टू के थीटा हाफ वी स्क्वायर डीसी बाय डी थीटा इक्वल टू के थीटा तो यहां से थीटा विल बिकम प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर दैट इज अ स्क्वायर लॉ मीटर तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा इट कैन रीड बोथ ए सी एज वेल एज डीसी और एसी में क्या रीड करेगा आर वैल्यू तो देखो जितने भी आपके एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना बेटा तो वो हमेशा ही क्या रीड करते हैं आर वैल्यू अब आपको याद है मैंने आपको मूविंग आयरन के अंदर लीनियर स्केल का डेरिवेशन कराया था वहां पे आपके पास आया था थीटा डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में मूविंग आयरन का डेरिवेशन कराया था वहां पे आपके पास क्या आया था थीटा डी एल बाय डी थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहां पे बेटा आपके पास आ रहा है थीटा इंटू डी सी बाई डी थीटा इज कॉन्स्टेंट बेटा ये इंजीनियरिंग का सिलेबस है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तो आपके पास ये सेम कंडीशन आ रही है बस एल की जगह सी आ गया है अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखो आपके पास क्या है प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर है इसका मतलब क्या है नॉन लीनियर स्केल है नॉन लीनियर स्केल के लिए हमारे पास क्या दिक्कत होती है बताइए मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था ड्यू टू नॉन लीनियर स्केल मार्किंग्स ऑन स्केल आर Unevenly स्पेस्ड ठीक है कहीं पे क्राउडेड होती हैं तो कहीं पे फैली फैली होती हैं, बट अन ईवनली स्पेस होती है इसीलिए कैलिब्रेशन टफ होता है अब देखो अगर आप ये चाहते हो कि इसकी रेंज बढ़ानी है जो भी आपकी रेंज है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की आपको इसे बढ़ाना है तो आपको याद होगा बेटा वोल्टमीटर में हमने क्या किया था हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस प्लेस किया था टू इंक्रीज द रेंज लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है ये खुद एक कैपेसिटर की तरह काम करता है इसीलिए इसके सीरीज में वी आर प्लेसिंग अनदर कैपेसिटर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो देखो इसका खुद का जो कैपेसिटेंस है दैट इज सी एम और हम एक और कैपेसिटर इसके अंदर लगा दिए सी एस दैट इज अ सीरीज कैपेसिटर तो ये ध्यान रखेंगे सीरीज कैपेसिटर है अब हम लोग क्या कहते हैं भाई ये जो टोटल वोल्टेज है दिस इज वी और ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे आ रही है दैट इज वी एम अब अगर आपको वोल्टेज डिवीजन लगाना है तो आप क्या ध्यान रखेंगे आपको ध्यान ये रखना है भाई कि वोल्टेज डिवीजन कैपेसिटर में रेजिस्टेंस से उल्टा लगता है यानी अगर सी एम निकालोगे सी एम का वोल्टेज तो ऊपर आएगा सी एस नीचे सी एस प्लस सी एम ये बात मैं आपको नेटवर्क्स के अंदर भी पढ़ा चुका हूं नेटवर्क में भी मैंने बताया था रेजिस्टेंस के लिए आप जितने भी रूल्स पढ़ते हो कैपेसिटर के लिए जब उन्हीं रूल्स की बात आती है तो आप आर की जगह लिख देते हो वन बाय सी जिससे आपको सेम रूल मिल जाता है कैपेसिटर सी एस प्लस सी एम बाई सी एस वी बाई वी एम माने इसका रेसिप्रोकल प्रोकल ये हो गया वन प्लस सी एम बाई सी एस अब बेटा ये जो V बाई वी एम होता है ना ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है दिस इज वॉट टोटल वोल्टेज बाय मीटर वोल्टेज ये मैंने आपको पीएमएमसी मूविंग आयरन सब जगह बताया है। याद है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है टोटल वोल्टेज बाय मीटर वोल्टेज आप इसका एक और फॉर्मूला क्या लिखते हो बेटा न्यू रेंज बाय ओल्ड रेंज न्यू रेंज बाय ओल्ड रेंज तो अगर आप इसको एम लिख दोगे तो सीएस आ जाएगा सीएम अपॉन एम माइनस और ये तो देखो आना ही था जब आप वोल्टमीटर में सीरीज रेजिस्टेंस लगाते थे तो आपके पास आता था आर एस इक्वल टू आर एम इन टू एम माइनस वन याद है वोल्टमीटर में सीरीज रेजिस्टेंस लगाते थे तो उसकी वैल्यू आती थी आर एम मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस वन लेकिन अब आपने जब सीरीज में कैपेसिटर लगाया ठीक है सीरीज में जब आपने कैपेसिटर लगाया तो रेदर देन मल्टीप्लीकेशन विद एम माइनस वन इट गेट्स डिवाइडेड बाय एम माइनस वन इट गेट्स डिवाइडेड बाय एम माइनस वन ध्रुवा मेरे भाई इसी का टाइटल लिख के पार्ट वन करके सर्च कर लोगे मिल जाएगी वीडियो कितना ही मुश्किल होता है यूट्यूब पे कोई वीडियो खोजना ज़्यादा तो लिख दिया करो क्रिएट्रिक्स इलेक्ट्रो मकैनिकल इंस्ट्रूमेंट तुरंत मिल जाएगी वीडियो प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा जस्ट ये सेकेंड सेशन है तो प्लेलिस्ट में भी ऐसा क्या उखाड़ लोगे चालीस पचास वीडियो तो है नहीं जो एक एक बीन के देखना पड़े ये सिर्फ लेक्चर नंबर टू है इसका प्लेलिस्ट इसकी मैं बनवा दूंगा लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ वीडियोस तो होने दो और अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा इसका मतलब है बेटा आप लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो क्योंकि पार्ट वन के लिए मैंने कई बार वीडियो डाला कि मैं मेजरमेंट का मैराथन ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ लेकिन आप लोग देखे नहीं फिर भी और इवन पार्ट टू के अंदर इतनी अटेंडेंस कम है कि मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पार्ट थ्री फोर फाइव में क्यों कराऊँ मैंने ये सोचा था पाँच लेक्चर में पूरा मेजरमेंट कवर करा दूंगा लेकिन पॉइंट क्या यार आप लोग बस चैट के अंदर बोल देते हो ये करा दो वो करा दो लेकिन उसका सपोर्ट कहाँ है बताओ देखना भी तो चाहिए बेटा आप लोग का तो काम है सिर्फ लेक्चर में आकर के बैठना ना मुझे पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करना होता है फिर इतनी देर होकर के खड़े होकर के आप लोगों के लिए सेशन लेना पड़ता है लेकिन आप लोग सिर्फ अटेंड भी नहीं कर सकते आप लोग इतने ज्यादा बिजी हो आप लोग इतने ज्यादा टायर्ड हो कि आप लोग एक लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते गजब हो यार चलो क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज द रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ वे फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी बताइए इसका आंसर तो ऑब्वियस है कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग वेवफॉर्म और फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है बोलिए भाई बी यस हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्योंकि ये हीट पे डिपेंड करते हैं तो डिपेंड ऑन द आरएमएस वैल्यू रैदर देन रैदर देन द वेवफॉर्म एंड द फ्रीक्वेंसी अगला देखिए अ करेंट ऑफ पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट थ्री साइन ओमेगा टी माइनस पॉइंट टू साइन टू ओमेगा टी इज पास टू द सर्किट डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर अक्रॉस दन मिली हेनरी इंडक्टर ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है इसके अक्रॉस किसके अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस इसकी रीडिंग बतानी है चलो भाई ये जो करेंट है ये यहां से पास हो रहा है आप वोल्टमीटर को एज अ ओपन सर्किट ट्रीट कर सकते हो तो यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वोल्टमीटर में कितना करंट गया 2.5 के व्यूज इन लेक्चर वन तो बहुत बड़ी बात है क्या भाई मेजरमेंट का कंटेंट यूट्यूब पे कितना ही अवेलेबल है जो तुम ढाई हजार व्यूज की बात करो ऐसे तो मशीन पे चार लाख व्यूज हैं दस हजार भी नहीं है इससे बढ़िया तो एक एंटरटेनिंग सी रील बना के डाल दो उस पर दस हजार व्यूज आ जाएंगे क्या फायदा इतनी इतनी देर मेहनत करने का देखो मुझे व्यूज वगैरह से ऑनेस्टली बताऊ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चाहिए होती है बस लाइव अटेंडेंस क्योंकि एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो गई एक बार वीडियो पड़ गई उसके बाद कितने लोग देखते हैं क्या ही फर्क पड़ता है बट जब पढ़ा रहे हैं ना तो वो मोटिवेशन बनाने के लिए अटेंडेंस चाहिए होती है अब आज देखो आज पावर सिस्टम के लेक्चर में अच्छी अटेंडेंस थी तो मैंने उसको सवा दो घंटे भी खींच दिया जबकि मुझे पता था मुझे तीन साढ़े तीन घंटे का फिर मैराथन भी लेना है बट मैं खींचा ना उस लेक्चर को भी अटेंडेंस जो है टीचर के लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जो तुम लोग नहीं समझते हो चलो इसका बताओ भाई देखो पहले डीसी वाला जो करंट है उसके लिए तो इंडक्टर शॉर्ट रहेगा तो वी डी सी इज जीरो अब ये लो पॉइंट थ्री साइन ओमेगा टी इसके लिए आप इंडक्टर को क्या लिखोगे रिएक्टेंस निकालोगे ना इंडक्टर की ओमेगा दिया है टेन की पावर सिक्स और ये है वन मिली हेनरी तो ये आ गया थाउजेंड तो यहां पे वोल्टेज क्या आएगी थाउजेंड इसमें मल्टीप्लाई कर दो और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीडिंग आती है ठीक है ये आ गई अब अगला है माइनस पॉइंट टू साइन टू ओमेगा टी तो यहां पे इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है टू ओमेगा हो गई ना फ्रीक्वेंसी तो ये दो हजार हो गई तो जब वोल्टेज निकालोगे तो दो हजार मल्टीप्लाई करोगे चार सौ अब देखो यहां मैं प्लस नाइनटी की जगह माइनस नाइनटी लिख रहा हूं ऐसा क्यों क्योंकि यहां पे बाहर एक माइनस जे है ना माइनस साइन है ना अगर इसमें जे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस जे बन जाएगा माइनस जे का मतलब है माइनस नाइनटी डिग्री का एंगल तो आपके पास जो वोल्टेज आई बेटा कितनी आ गई थ्री हंड्रेड एक तरह से कॉस ओमेगा टी माइनस फोर हंड्रेड साइन टू ओमेगा टी अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर है ये तो आर एम एस नापेगा है ना आरएमएस एम एस कैसे निकालते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइन हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं फाइव हंड्रेड बाय रूट टू ठीक है फाइव हंड्रेड बाय रूट टू कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से तीन सौ चौवन आ रहा होगा चेक करना यही आना चाहिए ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर विल मेजर द आर एम एस बाकी तो नेटवर्क ही है हमारा वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता उससे भी आ जाएगा चलो अगला देखो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हैज कैपेसिटेंस वन माइक्रोफेरेड मेजर्स अपू तो वन के बी वॉट इज सीरीज मल्टीप्लायर कैपेसिटेंस रिक्वायर टू मेजर अप टू तो हंड्रेड के बी कितना सीरीज कैपेसिटर में लगाऊं जिससे 100 के वी तक मेजर कर पाए बताइए वन माइक्रोफेरेड है इसका खुद का कैपेसिटेंस के वन केवी तक मेजर कर सकता है तो कितना सीरीज में कैपेसिटेंस लगाएं जिससे 100 के वी तक मेजर हो जाए बोलिए भाई सौरव कह रहे हैं पॉइंट जीरो वन माइक्रोफेरेड देखें देखो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमेशा ध्यान रखिए न्यू रेंज डिवाइडेड बाय और ओल्ड रेंज तो यहां पे न्यू रेंज कितनी है आपकी हंड्रेड के वी है ओल्ड रेंज कितनी है आपकी वन के वी है ठीक है तो ये आ गया हंड्रेड अब सीरीज कैपेसिटर आता है सी एम अपॉन एम माइनस वन वन माइक्रोफेरेड बाई नाइनटी नाइन अप्रोक्सीमेटली टेन नैनो फेरेड या पॉइंट जीरो वन कह दो है ना ये आ गया अगला देखिए आ थर्मोकपल मीटर रीड्स टेन एम्पियर एट फुल स्केल द करेंट एट विच इट रीड्स वन थर्ड ऑफ द फुल स्केल कितने करंट पे ये वन थर्ड रीडिंग देगा बताइए अगर फुल स्केल टेन एमपियर पे दे रहा है तो वन थर्ड रीडिंग कितने करंट पे मिलने वाली है क्या रहा है ए देखो थर्मोकपल के अंदर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर जबी तो ए सी मेजर करता है तो इसने बोला है पहले के मुकाबले वन थर्ड रीडिंग चाहिए यानी डिफ्लेक्शन शुड बी वन थर्ड तो आई टू बाय आई वन का स्क्वायर मस्ट बी वन बाय थ्री आई टू इज आई वन बाय रूट थ्री तो फाइव पॉइंट सेवन सेवन डी ए गलत है है ना कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो सौरभ आंसर डी आना चाहिए बस विनय ने सही आंसर दिया बाकी सबका गलत है चलो अब आ जाते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रो आज का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ठीक है इंडक्शन इंडक्टर वोल्टेज क्वेश्चन एक बार वीएल से करवा दीजिए तो एल डी आई बाई डी टी कर लो ना पुष्पाशीष इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई इसके अंदर आई तुमको दे रखा है भाई कितना पॉइंट फाइव आर तो फिर भी वैसे ही निकालनी पड़ेगी बस जो मैं वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाला हूं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ जाएगा लो भाई एल डी आई बाई डी टी पहली टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो दूसरी टर्म का पॉइंट थ्री ओमेगा कॉस ओमेगा टी दूसरी टर्म का माइनस पॉइंट फोर ओमेगा कॉस टू ओमेगा टी अब एल है वन मिली हेनरी ओमेगा है टेन की पावर सिक्स ओमेगा भी कॉमन निकाल लो पॉइंट थ्री कॉस ओमेगा टी माइनस पॉइंट फोर कॉस टू ओमेगा टी अब ये हो गया टेन की पावर थ्री टेन की पावर माइनस थ्री और टेन की पावर सिक्स लो अब आगे तो वही स्टेप होगा ना आरएमएस निकालने का यही तो मैं यहां पे लिखा भी था यही तो लिखा था सॉरी कॉस आएगा यहां पे साइन जगह बताओ अच्छा अनकोड चैनल से क्या दिक्कत है इसमें पुष्पाशीष चलो आ जाओ इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट तो देखो ये काफी सारी डिवाइस बनाने के काफी सारे मीटर बनाने के काम में आता है इसके अंदर खासियत क्या होती है बेटा इसके अंदर दो कॉइल रखी जाती है एक कॉल होती, होती है आपकी फिक्स कॉयल और दूसरी कॉइल होती है आपकी मूविंग कॉइल यानी एक कॉयल अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगी इट विल बी फिक्स्ड इन स्पेस वहीं दूसरी कॉइल कैन रोटेट दूसरी कॉइल कैन मूव तो वन इज द फिक्स कॉयल वन इज द मूविंग कॉयल अब इसके अंदर होता क्या है फिक्स कॉयल का, का काम होता है बेटा फ्लक्स बनाने का फिक्स कॉयल का काम है डिवाइस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने का और उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब मूविंग कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है तो लॉरेंट फोर्स लॉ के तहत जब भी कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क तो क्या होता है जब फिक्स कॉल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया तो उसके प्रेजेंस में मूविंग कॉयल पे एक फोर्स लगेगा एंड दैट इज हाउ मूविंग कॉइल रोटेट अबैच रहता है तो जैसे जैसे मूविंग रोटेट करती है आपका पॉइंटर रोटेट करता है और इसे रोकने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है स्प्रिंग को बेसिक फंडा समझ आया आपने क्या किया फिक्स कॉइल में करेंट फ्लो करा के एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा की उस मैग्नेटिक फील्ड में जब मूविंग कॉइल रखी गई और मूविंग कॉइल में करेंट फ्लो कराया गया तो मूविंग कॉइल पे एक फोर्स एक टॉर्क अप्लाई हुआ जिस टॉर्क के कारण आपकी मूविंग कॉइल ने रोटेट करना स्टार्ट किया और इस मूविंग कॉइल के साथ मैंने क्या जोड़ दिया एक पॉइंटर तो जैसे जैसे मूविंग कॉइल रोटेट करेगी वैसे वैसे पॉइंटर रोटेट करेगा और इसके मोशन को अपोज करने की जिम्मेदारी किसकी है स्प्रिंग की है तो स्प्रिंग विल प्रोवाइड यू द कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग आप कौन सी ले लोगे बेटा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ठीक है मैं यहां पे लिख देता हूं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज ठीक है भाई यहां तक सबको क्लियर अब देखो मुझे इसका क्या डिसाइड करना है कि कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनेगा जैसा मैंने आपको बताया ना हर इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला काम क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को निकालना अब देखो क्या होता है जब आपके पास दो कॉयल है एक फिक्स कॉल है एक मूविंग कॉयल है तो यहां दो तरह के फ्लक्स होंगे एक तो बेटा कॉइल का सेल्फ फ्लक्स जहां पे जो कॉइल करेंट कैरी कर रही है उसका फ्लक्स खुद ही उस कॉइल से पास कर रहा है दैट इज योर सेल्फ फ्लक्स एक फ्लक्स जो एक कॉयल से दूसरी कॉइल तक जाता है दैट इज योर म्यूचुअल फ्लक्स तो आपके पास दो तरह के फ्लक्स आ जाएंगे वन इज योर सेल्फ फ्लक्स एंड द अदर इज योर म्यूचुअल फ्लक्स अब क्या होता है का जो flux है, वो इस बात से डिपेंड नहीं करता कि दोनों कॉइल आपस में कितने एंगल पे हैं। लेकिन उनका म्यूचुअल फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल कितने एंगल पे हैं। जैसे ऐसे मान लो कि जब दोनों कॉइल पैरेलल होंगी तो एक कॉइल का मैक्सिमम फ्लक्स दूसरी कॉइल से गुजरेगा और जब दोनों कॉइल परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो उनका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है या ये कह लो उनका जो म्यूचुअल फ्लक्स है दैट विल बी जीरो आप ये चाहोगे ना बेटा अगर एक कॉइल की मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से पास करे तो इन दोनों का परफेक्ट अलाइनमेंट जरूरी है और दोनों कॉइल अगर आपस में परपेंडिकुलर हो गई तो आपका म्यूचुअल फ्लक्स हो जाएगा जीरो तो इसीलिए म्यूचुअल फ्लक्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ द पॉइंटर डिफ्लेक्शन ये लाइन समझ में आ रही है बताओ मुझे अगर दो कॉइल बेटा जैसे एक के अंदर एक कॉइल रख दी जाए ऐसे एक के अंदर एक कॉल जैसे मेरे हाथ को एक क्वाल समझो और इस पेन को तो इस तरह से क्या होगा मैक्सिमम फ्लक्स अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है एक क्वाइल ऐसे रखी है तो जीरो फ्लक्स होगा तो म्यूचुअल फ्लक्स आपका डिपेंड करेगा कि दो कॉइल आपस में कितना एंगल बनाती है यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों कॉयल आपस में कितना एंगल बना रही हैं। अब यहां पर यह देखो दो कॉल है फिक्स मूविंग फिक्स कॉयल का सेल्फ इंडक्टे एल वन मूविंग कॉयल का सेल्फ इंडक्टेंस है एल टू फिक्स में करेंट जा रहा है आई वन मूविंग कॉयल में करंट जा रहा है आई टू तो यहां पर मेरे बच्चों अगर आप एनर्जी स्टोर्ड की बात करोगे आपको तो पता है एनर्जी के डेरिवेटिव से टॉर्क निकाल लेते हैं अगर आप एनर्जी स्टोर्ड की बात करोगे तो इट विल बी हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस माइनस एम आई वन आई टू सर ये प्लस माइनस दो क्यों लगाए बेटा प्लस का मतलब होता है एडिटिव कपलिंग यानी कि दोनों का फ्लक्स आपस में ऐड होता है माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिव कपलिंग जहां पे आपका फ्लक्स दोनों का सबट्रैक्ट होता है ठीक है तो अब ये तो हमारे ऊपर है ना हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव? अब देखो यहां पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना कॉइल की चाहे फिक्स कॉइल हो गई चाहे मूविंग कॉइल हो गई इनकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज फिक्स ठीक है यहां पे आपका L1 एंड L2 आर फिक्स्ड बट ये जो एम है दिस एम इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एम इज अ फंक्शन ऑफ थीटा जैसे मूविंग आयरन में आपने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस थीटा का फंक्शन थी अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर में देखा कैपेसिटेंस थीटा का फंक्शन थी और अब आप देख रहे हो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो अब हम क्या कहते हैं भाई कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बात की जाएगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी इज इक्वल टू डी यू बाय डी थीटा अब जो सेल्फ इंडक्टेंस वाली एनर्जी है बेटा वो तो फिक्स रहेगी क्योंकि ना तो एल ना ही आई आपका थीटा पे डिपेंड करता सर आई क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है थीटा पे क्योंकि बेटा जो आई करेंट है वो हमने खुद से अप्लाई किया है समझ रहे हो आई करेंट अपने आप नहीं आया है आई करेंट दोनों कॉइल में हम खुद अप्लाई कर रहे हैं इट इज नाइदर द इंड्यूस्ड करेंट और नॉर कह सकते हो म्यूचुअल करेंट भी नहीं है सेल्फ भी नहीं है ये हम एक्सटर्नली दोनों कॉइल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा जो एल वाली टर्म्स है उनका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाएगा फिर आई वन आई टू प्लस माइनस इग्नोर कर दो प्लस माइनस तो बस डायरेक्शन ही बताएंगे ना टॉर्क की डी एम बाई डी थीटा यहां पर आई वन क्या है बेटा I1 वन एंड आई टू आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉयल करेंट अब बेटा अगर आप डीसी की बात करें अगर आपके पास एक डीसी सप्लाई है तो आपके करेंट तो वैसे ही कांस्टेंट होंगे ये आ गया लेकिन मेरे बच्चों जब आप एसी करंट की बात करोगे जब आप एसी सप्लाई की बात करोगे तो देखो ये बहुत जरूरी है कि दोनों करंट सेम फ्रीक्वेंसी के भेजे जाए तो जैसे मान लो एक हो गया ये दूसरे में क्या करो आप बोलो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और फेस शिफ्ट भी दे दो बस फ्रीक्वेंसी सेम रख लो मैग्नीट्यूड आपने क्या कर दिया एम्पलीट्यूड डिफरेंट कर दिया फेस शिफ्ट दे दी बट आपने फ्रीक्वेंसी सेम रख ली अब यहाँ पे क्या होगा यार यहाँ पे जब आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालेंगे I1 I2 dm टू डी एम थीटा तब क्या होगा ये होगा आई एम वन आई एम टू साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी एम बाई डी थीटा ठीक है अब ये साइन ए साइन बी को आप कैसे तोड़ोगे भाई साइन साइने साइन बी को कैसे तोड़ोगे आप इसको तोड़ोगे हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ये तोड़ा ना अब देखो इसमें एक टर्म तो आपके पास कांस्टेंट आ रही है एक टर्म तो आपके पास कांस्टेंट आ रही है कॉस फाइव और एक टर्म ऑसिलेट कर रही है टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी से एक टर्म ऑसिलेट कर रही है टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी से तो अगर आप एवरेज टॉर्क की बात करोगे बेटा तो ये जो ऑसिलेटिंग वाली टर्म है इसका एवरेज आ जाएगा जीरो क्योंकि जब आप इसके टोटल एरिया की बात करते हो तो कॉस के एक हाफ साइकिल का एरिया पॉजिटिव होता है एक का नेगेटिव होता है तो इसका टोटल एरिया आ जाएगा जीरो और ये जो टू है ना आप इसको ऐसे रख लो आई एम वन बाय रूट टू आई एम टू बाय रूट टू कॉस डी थीटा अब ये जो मैक्सिमम बाय रूट टू है ये बेसिकली क्या हो गया आर एम एस हो गया आई वन आई टू कॉस इंटू डी एम बाई डी थीटा डी एम बाई डी थीटा इतनी बात चमकी अच्छे से अगर इतनी बात आप लोगों को चमक गई बेटा तो आपको यहां पे ना फॉर्मूला याद होना चाहिए फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में डी के अंदर आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा और ए सी के अंदर ये एवरेज टॉर्क कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलोगे आई वन आई टू कॉस बाई डी एम बाई डी थीटा यहाँ पे आई वन क्या है भाई आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए आई वन एज़ आर एम एस करेंट ऑफ फिक्स कॉइल तो देखो ये जो डायनोमीटर है ना ये भी ए सी डी सी दोनों के लिए काम में आता है rms current of fixed coil i2 rms current of moving coil phi phase shift between i1 and i2

पावर फ्रीक्वेंसी मीटर एंड मेगर ये छह एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ डायनमोमीटर टाइप ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वॉट मीटर दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट अब देखो भाई सबसे पहले बात करें अगर एमीटर की अब बेटा एमीटर के अंदर हमें क्या करना होता है जो फिक्स जो और मूविंग कॉयल है इन दोनों को ही ना लोड के सीरीज में लगाते हैं क्या करते हैं लोड के सीरीज में लगाते हैं ठीक है तो जैसे देखो फिक्स कॉयल को यहां पे बेटा दो हिस्सों में बांटा गया है एफ सी वन और आपका एफ सी टू एफ सी वन और एफ सी टू सर ये दो हिस्सों में क्यों बांटा गया है बेटा दो हिस्सों में इसलिए बांटा गया है जब फिक्स कॉइल दोनों तरफ से मूविंग कॉइल को घेर लेती है तो इनकी कपलिंग बेहतर हो जाती है यानी फिक्स कॉइल का काफी ज्यादा फ्लक्स मूविंग कॉइल से पास होता है विच इज गुड फॉर अस ठीक है तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है फॉर बेटर कपलिंग ये लॉजिक समझ आया दो पार्ट्स के बीच में फंस गई ना सैंडविच टाइप कर लिया जैसे ट्रांसफॉर्मर में सैंडविच वाइंडिंग होती है तो यहाँ पे मूविंग और फिक्स कॉयल के बीच की कपलिंग बेहतर हो गई अब यहाँ पे देखो बेटा जो भी आपका करंट आ रहा है सप्लाई से है ना सप्लाई से जैसे आपका करंट आया आई वन यही करंट आपका लोड में जाने वाला है तो ये पहले फिक्स कॉयल से पास हुआ फिर देखो ऐसे नीचे से आया आई वन यही मूविंग कॉयल में गया फिर वापस निकला मूविंग कॉयल से आई वन और वापस सप्लाई में लौट गया तो बेसिकली दोनों के अंदर सेम करंट जा रहा है अगर बेटा दोनों के अंदर सेम करंट जा रहा है तो फिक्स और मूविंग कॉइल के करेंट्स का फेस शिफ्ट आएगा जीरो करेंट्स के बीच का फेस शिफ्ट क्या आएगा जीरो ठीक है तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं बोथ कॉयल कैरी सेम करेंट तो इसीलिए यहां पे फाइव इज जीरो तो आपका डिफ और आई वन आई टू दोनों ही आई कह दो लोड के बराबर तो आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो है चाहे ए सी हो या डी सी है ना ए सी में तो डीसी में तो कॉस फाइव आता ही नहीं था बट एसी में कॉस फाइव भी क्या हो गया वन देखो डी सी के अंदर तो सिंपल यही था ना आई वन आई टू ए सी में था कॉस फाइव अब जब फाइव जीरो हो गया तो कॉस फाइव हो गया वन आई वन आई टू दोनों आई के बराबर थे तो दोनों ही फॉर्मूले से आपको मिल गया आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा ठीक है इस पे भी गेट के अंदर क्वेश्चन आया था आप ये देखो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है मूविंग आयरन से वहां पे आता है हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा यहाँ आ रहा है आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा तो यहाँ पे हाफ का फैक्टर नहीं है तो ये जब हम लोग गेट ट्वेंटी फोर्टीन दिए थे ना उसमें एक ऐसा सवाल पूछ लिया था और मेरा एक फ्रेंड था वो क्या है ना वो हाफ का फैक्टर भूल गया उसने मूविंग आयरन वाला फॉर्मूला लगा दिया हाफ का फैक्टर ले लिया जबकि इस क्वेश्चन में हाफ का फैक्टर नहीं लिया जाता अब यहां पे आप देख सकते हो बेटा कि स्टेडी स्टेट में आप क्या कहोगे आप कहोगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू के थीटा तो यहां से क्या मिल गया आपको रिलेशन की थीटा इज प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर और जहां कहीं आई स्क्वायर दिखा तो इट कैन मेजर बोथ ए सी एंडीसी बट फॉर ए सी इट विल मेजर आर एम एस ये लिखने की जरूरत तो नहीं है आई स्क्वायर दिखते ही आप क्या कह सकते हो इट कैन मेजर बोथ ए सी एंड डी सी एंड फॉर ए सी इट विल मेजर आर एम एस अब अगले पे आते हैं वोल्ट मीटर अब वोल्ट मीटर में क्या करते हैं दोनों कॉइल अभी भी सीरीज में है लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो लोड के पैरल में लगाया गया लोड के पैरल में लगाते हुए एक चीज हमने और की यहाँ पे बेटा कि यहां पे एक सीरीज रेजिस्टेंस और डाला आर एस सर ये क्यों डाला ताकि बेटा इन दोनों कॉयल से जो करेंट फ्लो करेगा वो लिमिटेड रहे मान लो आप सप्लाई के पैरल लगा देते अब भाई अगर सप्लाई के पैरल लगा देते और इन कॉयल्स का इम्पिडेंस कम होता तो इनमें करंट बहुत ज्यादा चला जाता वी बाई जेड के हिसाब से तो मैं ये नहीं चाहता इन कॉयल्स में इतना करंट चला जाए कि ये कॉयल डैमेज हो जाए इसीलिए मैंने क्या किया एक साथ में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा विच इज करेंट लिमिटिंग रेजिस्टर नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा जहां भी वोल्टेज मेजरमेंट की बात आती है वहां पे एक सीरीज रेजिस्टेंस तो यूज करते ही है ना जिसको सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस बोलते हैं विच इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अब आप यहां पे अगर ये करते हो बेटा कि इग्नोर इग्नोर कॉयल इंपीडेंस आप ना दोनों कॉयल की इंपीडेंस को इग्नोर कर दो तो आप ये कह सकते हो कि जो दोनों कॉयल में करेंट जा रहा है दैट इज वी बाय आर एस और फेस शिफ्ट आएगा जीरो फेस शिफ्ट जीरो क्यों आ रहा है क्योंकि बोथ करेंट आर आइडेंटिकल जब दोनों ही करेंट एकदम सेम है तो किस बात का फेस शिफ्ट तो यहां पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर क्या आएगा I1, I2 cos phi dm डीएम बाई डी थीटा था ठीक है फाई तो आपका जीरो है आई वन आई टू है वी बाय आर एस तो वी स्क्वायर बाय आर एस स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा तो यहां पे आपके पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया मेरे बच्चों दैट इज प्रपोर्शनल टू वी स्क्वायर और वी स्क्वायर पढ़ते ही क्या दिमाग में आना चाहिए कैन रीड बोथ डी सी एंड ए सी कैन रीड बोथ डी सी एंड ए सी और ए सी में क्या मेजर करेगा आर एम एस आर एम एस क्लियर तो इसीलिए आपका ये एज अ वोल्ट मीटर भी यूज हो सकता है तो डायनमोमीटर को अगर एम मीटर बनाना है तो दोनों कॉइल को लोड के सीरीज में लगाओ और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो दोनों कॉइल आपस में सीरीज में लेकिन दे आर पैरल टू द लोड मुझे बताओ यहां तक डायनमोमीटर क्लियर है या नहीं तब हम सबसे बड़ी एप्लीकेशन में मूव करें दैट इज वॉट मीटर बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर है बढ़िया से चलो फिर अब चलते हैं बेटा पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर मैं वॉट मीटर पर चलता हूँ द स्केल ऑफ इलेक्ट्रो डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट वैन इट इज यूज एज ए मीटर एंड वैन इट इज यूज एज वोल्ट मीटर इज बताओ जो वॉट जो आपका डायनमोमीटर का स्केल है जब इसको एम और वोल्टमीटर की तरह चलाते हैं तो स्केल कैसा नज़र आता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था प्रूव करके जहाँ पे स्क्वायर की टर्म आती है क्या आएगा बी बहुत बढ़िया जब भी ऐसा आता है ना बेटा थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर या थीटा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर तो क्राउडिंग होती है बेटा आपकी ज़ीरो के पास मैंने बताया था ना छोटी वैल्यूज के लिए जो चेंज आता है थीटा में वो काफी कम आता है और बड़ी वैल्यूज के लिए ज्यादा आता है जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आई वन है तो मान लो थीटा आ रहा है आई स्क्वायर वन के बराबर टू पे कितना आएगा टू स्क्वायर यानी फोर के बराबर कितना चेंज आया थ्री वहीं अगर आई होता टेन तो हंड्रेड इलेवन पे कितना आता वन ट्वेंटी वन कितने का चेंज आया ट्वेंटी वन का तो जीरो वन से टू जाने में सिर्फ थ्री का चेंज आ रहा है बट टेन से इलेवन जाने में ट्वेंटी वन का चेंज आ रहा है यानी बड़ी वैल्यूज के लिए चेंज बड़ा होता है यानी स्केल आपका काफी फैल जाता है ठीक है डायनोमीटर का वर्किंग क्लियर नहीं हुआ क्या नहीं समझ आया पुष्पाशीष भाई दो कॉल है आपकी दो कॉयल में एक कॉयल आपने फिक्स कर दी एक कॉयल मूविंग है जैसे आप ऐसे समझ लो ना मशीन की तरह एक स्टेटर है जो स्टेशनरी है एक रोटर है जो मूव कर रहा है तो हम बस ये बोल रहे हैं जब मूविंग कॉयल रोटेट करती है तो दोनों के बीच का जो म्यूचुअल फ्लक्स है वो वैरी करता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वैरी करता है क्योंकि दोनों कॉयल जब परफेक्टली अलाइंड होती हैं तो उनके बीच में जो म्यूचुअल फ्लक्स है वो मैक्सिमम है और दोनों कॉयल जब 90 डिग्री पे आ जाती हैं तो उनका म्यूचुअल फ्लक्स जीरो हो जाता है चलो ये बनाओ भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सौरभ कह रहे हैं फोर्टीन पॉइंट फोर एट बाकी लोग भी बताओ भाई आया और किसी का देखें क्या देखो सबसे पहले तो क्या किया करो ना ऐसे क्वेश्चन में डी एम बाई डी थीटा निकाल लो पिछली बार ऐसे मैंने उसके तो कराए थे मूविंग कॉइल के मूविंग आयरन के तो कॉस का होता है साइन और मैंने बताया था ना इसकी बाय डिफॉल्ट जो यूनिट होती है दैट इज मिली हेनरी पर रेडियन अब ये बोल रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा आ, आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा कॉस वाई का फैक्टर ही नहीं आएगा क्योंकि डी है है ना डी में किस बात का फेस शिफ्ट 50 मिली एम्पियर का मतलब 0.05 का स्क्वायर सिक्स साइन अब 60 डिग्री बोला है ना डिफ्लेक्शन ये हुआ अब ये मिली न्यूटन मीटर हो गया क्योंकि मिली हेनरी था ना तो मिली न्यूटन मीटर अब मैं देखूं अगर टेन की पावर माइनस फोर टेन की पावर माइनस सेवन हां फोर्टीन पॉइंट फोर एट माइक्रो न्यूटन मीटर यही आ रहा ठीक है क्लियर हुआ सभी को कैसे आपको मूविंग सॉरी डायनेमोमीटर का टॉर्क निकालना है अब इसी में बहुत सारे बच्चे यही गलती कर सकते थे यहां पे हाफ ले लेते चलो अगला देखो अ टेन एमपीयर रेंज इलेक्ट्रो डायनेमिक एम मीटर इज कंट्रोल्ड स्प्रिंग हैविंग अ टॉर्शन कांस्टेंट यानी के टेन की पावर माइनस सेवन न्यूटन मीटर पर डिग्री फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज हंड्रेड एंड टेन डिग्री वॉट इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेन मेजरिंग अ करेंट ऑफ टेन एमपीयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इनिशियल इंडक्टेंस इज टू माइक्रोहेनरी चेंज इज लीनियर विद डिफ्लेक्शन चलो एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या और कैसे इसे क्रैक करेंगे चलो आया भाई किसी का आंसर देखो इस डायनोमोमीटर एमीटर की रेंज है टेन एम्पियर इसका ये के दे रखा है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यानी कि जब 10 एम्पियर रीड करोगे तो कितना डिफ्लेक्शन होगा 110 डिग्री अब ये बोल रहा है भैया इंडक्टेंस बता दो जब आप 10 एम्पियर ही मेजर कर रहे हो 10 एम्पियर मेजर करने का क्या मतलब है फुल स्केल की बात कर रहा है तो आप लिखोगे आई स्क्वायर Dm बाई डी थीटा इज के थीटा अब i कितना है भाई आपका 10 k थीटा ठीक है तो यहां से Dm बाई डी थीटा कितना आ गया अच्छा यहां पे 110 डिग्री लिख लो 11 इंटू टेन की पावर माइनस छ तो डीएम बाईडी थीटा पॉइंट वन वन माइक्रोहेनरी पर रेडियन अब ये बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस लीनियरली वेरी करती है थीटा के साथ लीनियरली कैसे वेरी कर सकती है अगर डीएम बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट हो ये बोला है ना एम वेरी लीनियरली विथ थीटा अगर कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ लीनियरली वेरी करती है माने कि स्लोप इज कांस्टेंट और वो स्लोप मैंने निकाल भी लिया पॉइंट वन वन तो अब मैं क्या कहता हूं कि चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस इस स्लोप इन टू थी डेल्टा थीटा चेंज इन डिफ्लेक्शन स्लोप है पॉइंट वन वन अब डिफ्लेक्शन में कितना चेंज आया 110 डिग्री का ना जीरो डिग्री से एक सौ दस डिग्री गए बस इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया पॉइंट टू वन वन एट अब देखो इनिशियली इसने बताया ना टू हेनरी है तो अब कितना होगा चेंज मिल गया इनिशियल वैल्यू पता है ये लो जी इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज क्लियर हुआ कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हुई बताइए बताइए भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हुई सभी लोग को किस टाइप से क्वेश्चन को क्रैक करना है क्या वो क्वेश्चन में बोल रहा है बोलो फटाफट से सभी लोग क्लियर है चलो अगला देखो अ ट्वेल्व एम्पियर इलेक्ट्रो डायनोमीटर इज कंट्रोल्ड बाय अस्प्रिंग हैविंग अ टोर्शन कॉन्स्टेंट पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स न्यूटन मीटर पर डिग्री द फुल स्केल टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क इज वन ट्वेंटी डिग्री वेन मेजरिंग अ करेंट ऑफ ट्वेल्व एम्पियर इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एज डिफ्लेक्शन इज थ्री हेनरी चेंज इज लीनियर द इंडक्टेंस इज करो सेम टाइप का क्वेश्चन है वैल्यू डिफरेंट है करो जरा अब की बार आंसर करेक्ट आना चाहिए अब की बार सभी लोगों का आंसर करेक्ट आना चाहिए पिछली बार इनिशियल इंडक्टेंस दे दिया था इस बार क्लियरली बोल दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस एट जीरो डिग्री डिफ्लेक्शन बात तो एक ही है सौरभ कह रहे हैं 3.35 बाकी लोग बताओ देखो यहां पे भी क्या करोगे आई स्क्वायर अब आई दिया है 12 एमपी के है पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स और थीटा है 120 डिग्री ठीक है तो डीएम बाई डी थीटा ये कितना हो जाएगा 24 फोर बाय ट्वेल्व टू टू बाई ट्वेल्व वन बाय सिक्स अब यहां से आप निकाल लोगे चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डीएम बाय डी थीटा स्लोप इन टू डेल्टा थीटा तो चेंज कितना आ जाएगा भाई यहाँ से वन बाय सिक्स इंटू डेल्टा थीटा है 120 डिग्री इंटू पाई बाय वन तो ये टू पाई बाय थ्री हो जाएगा ना तो पाई बाय नाइन कितने रेडियन आ गया कितने हेनरी आ गया पॉइंट थ्री फाइव तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा भाई एम नॉट प्लस डेल्टा एम थ्री पॉइंट थ्री फाइव माइक्रो हेनरी ठीक है थ्री पॉइंट थ्री फाइव माइक्रो हेनरी क्लियर हो गया सबको बताओ भाई चलो अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर अब देखो जब पावर की बात आती है तो पावर मेजर करने के लिए वी नीड टू थिंग्स वोल्टेज एंड द करंट अब आप वोल्टेज को अगर ऐसे लिखते हो कि भाई वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी है और आप बोलते हो कि जो आपका करंट है दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव तो जब आप बेटा इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे किसकी बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू वी आई वी एम आई एम ये हुआ अब साइन ए साइन बी को आप कैसे तोड़ते हो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अब देखो जब आपको यहां पे एवरेज पावर चाहिए क्योंकि एवरेज पावर रियल पावर ही होती है ना तो हम कहते हैं रियल पावर और एवरेज पावर अब देखो ये टॉपिक ध्यान से सुनना क्योंकि वॉट मीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब एवरेज के लिए जाते हैं बेटा यहां पे एक कांस्टेंट टर्म दिख रही है एक टर्म ऑसिलेट कर रही है एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट वाली ही आएगी ऑसिलेटिंग टर्म का एवरेज हो जाएगा जीरो क्योंकि जितना उसका पॉजिटिव एरिया उतना ही उसका नेगेटिव एरिया तो एवरेज बिकम जीरो तो आप इसको ऐसे तोड़ लेते हो टू को जो है रूट टू और रूट टू के अंदर अब वी एम बाय रूट टू आई एम बाय रूट टू बिकम्स वी आई कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू द एवरेज पावर ठीक है तो हम वॉट मीटर का यूज करते हैं बेटा इस एवरेज पावर को रीड करने के लिए जहां पे V क्या है V इज योर आर एम एस वोल्टेज एंड I इज योर आर एम एस करेंट ठीक है I इज योर आर एम एस करेंट यहां तक बात क्लियर है बताओ बेटा यहां पे हम लोग वी आई कॉन्जुगेट की बात नहीं करेंगे पुष्पाशीष उसके लिए नेटवर्क का लेक्चर देखो मैंने वी आई कॉन्जुगेट अच्छे से बता रखा है ठीक है यहां पे लेकिन मैं पूरा रियल रिएक्टिव पावर ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा ना जीरो डिफ्लेक्शन में इंडक्टेंस नहीं जरूरी नहीं है सौरभ उसको मैं करना पड़ेगा ना लीनियर वेरिएशन है जीरो पे अगर कुछ इंडक्टेंस दिया है तो क्या वहां से आप पैराबोला नहीं बना सकते सोच के देखो या क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बना सकते बिल्कुल बना सकते हो इनिशियल वैल्यू देने का मतलब ये थोड़ी ग्राफ लीनियर है मेंशन करना पड़ेगा कि लीनियर वेरिएशन है अब देखो जब वॉट मीटर बनाते हैं तब हम क्या करते हैं जो फिक्स कॉइल होती है बेटा उसको लोड के सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इट विल कैरी द लोड करेंट तो फिक्स कॉइल के जो दोनों पार्ट है ना वो दोनों के दोनों लोड के सीरीज में है दिस इज योर एफ सी वन एंड दिस इज योर एफ सी टू और मूविंग कॉयल जो है बेटा उसको पैरलि कनेक्ट किया जाता है विद आ सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस तो इसके इसमें जो करेंट आएगा दैट विल बी प्रपोर्शनल टू द वोल्टेज लॉजिक समझ आ रहा है एक कॉयल को आपने कनेक्ट किया है लोड के सीरीज में और एक कॉयल को पैरल में कौन सी कॉल को सीरीज में कनेक्ट किया है फिक्स कॉल को और मूविंग कॉइल को आपने जोड़ा है पैरल में इसीलिए को हम लोग कह देते हैं बेटा करेंट कॉइल क्या कह देते हैं करंट कॉइल और ये जो मूविंग कॉइल है इसका करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आता है इसीलिए दिस विल बी कॉल्ड एज द पोटेंशियल कॉइल प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉयल ये बात समझ में आ गया बताओ मुझे आपने एक कॉइल को लोड के सीरीज में जोड़ा तो उसमें करंट कितना जा रहा है लोड करंट उसको क्या नाम दोगे करंट कॉयल दूसरी कॉइल को वोल्टेज के पैरेलल में जोड़ा उसमें जो करंट जा रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अब उसका नाम होगा पोटेंशियल कॉयल वोल्टेज कॉयल या प्रेशर कॉयल तो अब आप आगे जो है ना फिक्स कॉयल और मूविंग कॉइल नाम यूज नहीं करोगे आप क्या नाम यूज करोगे बेटा आप नाम यूज करोगे पोटेंशियल कॉल एंड करंट कॉयल अब आप ये देखो बेटा ये सप्लाई वोल्टेज है ये क्या है आपके पास सप्लाई वोल्टेज और ये है लोड करंट अब लोड करंट फिक्स कॉइल के कर सॉरी लोड करंट और फिक्स कॉइल का करंट बराबर है इसीलिए आई वन इक्वल टू आई एल और यहां पर यह फाई क्या है आपका फाइ इज द लोड पावर फैक्टर एंगल क्या है लोड पावर फैक्टर एंगल अब ये I2 जो है वोल्टेज के सेम फेज में आ रहा है बिकॉज I2 टू इज वी बाय आर एस आई टू इज वी बाय आर एस अब देखो आपने जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आज डिराइव किया है डायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ए सी के केस में क्या डिराइव किया है आई वन आई टू कॉस फाइव इन टू डीएम बाई डी थीटा यहां पे आपने क्या बोला था फाइ इज योर फेज शिफ्ट फेज शिफ्ट बिटवीन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉयल करेंट फेज शिफ्ट बिटवीन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉयल करेंट ठीक है भाई तो फाइ आपका फेस शिफ्ट था बिटवीन द फिक्स कॉइल एंड द मूविंग कॉल करेंट अब की बार अगर आप ये देखो बेटा ये राइल का करेंट ये रहा मूविंग कॉइल का करेंट इनके बीच का जो एंगल है वही पावर फैक्टर एंगल बन रहा है बताओ I1 और I2 के बीच का जो एंगल है वही तो V और I के बीच का एंगल भी है तो दैट इट सेल्फ इज बिकमिंग द पावर फैक्टर एंगल तो हम कह रहे हैं एंगल बिटवीन I1 एंड I2 टू इज इक्वल टू दी पावर फैक्टर एंगल इन दिस केस आगे मैं दिखाऊंगा ऐसा कब नहीं भी होता है लेकिन अभी के लिए समझो इस केस में तो यही पावर फैक्टर एंगल है तो जब आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करोगे मेरे बच्चों यहां पे तो I1 तो IL है I2 कितना है I2 आपने लिखा है V बाई आर एस कॉस वाई तो खुद ही पावर फैक्टर बन गया डी एम बाई डी थीटा तो ये हो गया वी आई एल कॉस पाई अपॉन आर एस इंटू डी एम बाई डी थीटा वी आई कॉस पाई हो गया पी एवरेज एवरेज पावर अपॉन आर एस तो देखो यहां डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया ना पावर के प्रोपोर्शनल बताओ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू द एवरेज पावर इट इज प्रपोर्शनल टू द एवरेज पावर तो हम यही तो चाहते थे बेटा एक ऐसा मीटर डिजाइन करना जहां पर मुझे रीडिंग पावर के प्रपोर्शनल मिल पाए देन इट विल बी कॉल्ड एज अ वॉट मीटर अब अगर आप यहां पर स्टडी स्टेट की बात करेंगे टी डी इक्वल टू टीसी टीसी है के थीटा इससे आपके पास ना ये आ जाएगा थीटा इज प्रोपोर्शनल टू पी एवरेज तो आपको जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा या डिफ्लेक्शन भी मिलेगा बोथ विल बी प्रोपोर्शनल टू द एवरेज पावर इसीलिए तो आप ये कह देते हो कि जो आपका वॉट मीटर होता है दैट रीड्स द एवरेज पावर और द रियल पावर अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वॉट मीटर मेजर्स द एवरेज और द एक्टिव पावर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर वॉट मीटर की रीडिंग निकालनी है आप कैसे निकालोगे यू विल टेक द वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल कॉइल मल्टीप्लाइड बाय द करेंट ऑफ करेंट कॉयल इन टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम कॉस फाइव लिखा है ना वॉट इज फाइव फाइव इज द एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आई सी सी दट इज द एंगल बिटवीन पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज एंड योर करेंट कॉयल करेंट या फिर पता आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ वी पी सी आई सी सी कॉन्जुगेट चमक गया ऐसे भी लिख सकते हो यह बात याद रखिएगा बेटा वॉट मीटर की रीडिंग निकालते हुए ना आपको दो क्वांटिटीज चाहिए फेजर फॉर्म में फेजर फॉर्म मतलब आर एंगल थीटा की फॉर्म में नो नीड टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम आपको आर एंगल थीटा की फॉर्म में दो क्वांटिटीज चाहिए वीपीसी और ICC। फिर आप क्या करोगे वीपीसी इंटू आई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम या फिर रियल पार्ट ऑफ आई सी सी का अब देखो, जब आपके पास लोड करेंट कम होता है तो आपको अगर एम बनाना है अगर आपको फ्लक्स बनाना है तो फिक्स कॉयल के दोनों पोर्शन आप सीरीज में जोड़ते हो इससे क्या फायदा होता है सीरीज कनेक्शन से कि यहां पे आपके पास आई है लो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं हाई जब दोनों सीरीज में जुड़ते हैं तो वी गेट आ, यहां पे आप ये कह सकते हो कि आपके पास ज्यादा एमएमएफ आ जाता है या फिर ये कह सकते हो एक ठीक ठाक एमएमएफ आपके पास आ जाता है विच इज नेसेसरी फॉर ऑपरेशन ऑफ द डायनोमीटर uh, इंस्ट्रूमेंट तो एम एम एफ विच इज इक्वल टू एन आई वी गेट इट एज मॉडरेट चाहिए ना भैया एम एम एफ बिना मैग्नेटिक फील्ड के इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करेगा अगला देखो अगर हाई लोड करेंट होता है बेटा ये लोड का करेंट अगर हाई है तो यहाँ फिक्स कॉयल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ये आधा आधा करेंट कैरी करे इससे ना मेरी फिक्स कॉयल भी प्रोटेक्टेड रहती है क्योंकि उसको पूरा करंट नहीं झेलना और इससे एमएमएफ भी ठीक ठाक बनता है बहुत ज्यादा एमएमएफ नहीं बन जाता क्योंकि यहां पे ना एमएमएफ कितना बनेगा आपका दोनों में आधे आधे टर्न्स है ना तो एन बाय टू आई एल बाय टू एन बाय टू आई एल बाय टू तो बेसिकली ना एन आई एल बाय टू क्योंकि करेंट हाई है तो इफेक्टिव टर्नस कितने हो गए एन बाय टू तो जब आपने लो लोड करंट देखा तो आपने दोनों को सीरीज में जोड़ा क्योंकि कम करंट पे ज्यादा टर्न्स की जरूरत थी अब ज्यादा करंट था तो कम टर्न्स की जरूरत थी इसीलिए आपने दोनों को पैरेलल में जोड़ा बात क्लियर है फिक्स कॉइल के दो हिस्से तो हैं बट वो आपस में सीरीज में जुड़ेंगे या पैरेलल में ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो मेजरमेंट है उसमें करेंट रेटिंग आप क्या ले रहे हो फिर देखो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल एयर पे बनी होती है इनका कोर किसका होता है एयर का तो दैट इज वाई दे डू नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ से पोटेंशियल कॉइल मस्ट बी हाईली इंडक्टिव सॉरी हाईली रेजिस्टिव टू मिनिमाइज द एरर ये मैं आपको आगे शो करूंगा कि एरर कहां से आता है क्यों हम बोल रहे हैं पोटेंशियल कॉइल यानी मूविंग कॉइल रेजिस्टिव होनी चाहिए कहने का मतलब ये मूविंग कॉइल का जो इंडक्टेंस है दैट मस्ट बी मिनिमम ठीक है इंडक्टेंस ऑफ मूविंग कॉयल मस्ट बी मिनिमम वहीं एनर्जी मीटर में उल्टा है बेटा एनर्जी मीटर में ना मूविंग कॉयल यानी कि आपकी जो पोटेंशियल कॉयल है उसका इंडक्टेंस हाई होना चाहिए या ये कह लो पोटेंशियल कॉयल शुड बी हाईली इंडक्टिव टू मिनिमाइज द एरर यहां आप बोल रहे हो हाईली रेजिस्टिव और एनर्जी मीटर में आप बोलते हो हाईली इंडक्टिव अब देखो जब वॉट मीटर की दो कॉयल को कनेक्ट करते हैं ना तो उसमें एक टर्मिनल कॉमन कर देते हैं एक्चुअली तो देखो हमारे पास चार टर्मिनल होते हैं दो टर्मिनल करेंट कॉयल यानी कि फिक्स कॉयल के होते हैं दो टर्मिनल पोटेंशियल कॉयल यानी कि मूविंग कॉयल के होते हैं ठीक है तो जब वाट मीटर खरीद के लाते हो ना बेटा तो उसमें तो चार टर्मिनल ही बाहर दिखा रखे होते हैं वो तो हम क्या करते हैं चार में से दो टर्मिनल को आपस में जोड़ के नेट टर्मिनल हम कर लेते हैं तीन अब देखो हर कॉल के दो टर्मिनल होते हैं एक होता है मेन टर्मिनल एक होता है लोड मेन माने जो हिस्सा सप्लाई से जुड़ेगा एल माने जो हिस्सा आपका लोड से जुड़ेगा अगर आप ये देखो दोनों कॉयल का मेन वाला टर्मिनल आपने आपस में जोड़ा एम वन एल वन एम टू एल टू अगर आपने एम को एम से जोड़ा आपने एम वन और एम टू को जोड़ा तो दिस इज कॉल्ड एज द एम सी कनेक्शन दैट इज मेन कॉमन इसका मतलब क्या है मेन कॉमन चमका यहां तक दोनों का सप्लाई वाला टर्मिनल कॉमन है मेन माने सप्लाई होता है और वहीं देखो अगर आपने दोनों का लोड वाला टर्मिनल जोड़ दिया भाई एम वन एल वन एम टू एल टू आपने लोड वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दिया तो दैट इज एल सी कनेक्शन लोड कॉमन ठीक है आगे चल के आप ये भी देखोगे दो कनेक्शन की वजह से कितना कितना एरर आता है रीडिंग में कहां पे कितना एरर आता है क्योंकि कनेक्शन बदलने से ना आपका एरर चेंज हो जाएगा अब देखो वॉट मीटर में हम एक डिफाइन करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखो क्या होता है जब वॉट मीटर मैन्युफैक्चर होता है ना तो वॉट मीटर की एक रेटिंग होती है कि ये कितनी रेंज ऑफ पावर तक रीड कर सकता है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं इसकी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके और करेंट को स्टेप डाउन करके चाहें तो इसकी रेंज बढ़ा भी सकते हैं मतलब जैसे आपने एमीटर एम वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाई थी ना कि एक्चुअली मीटर में तो क्वांटिटी कम ही जा रही थी आपने एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाई थी शंट रेजिस्टेंस लगा दिया था आपने बोला मीटर में तो करंट कम जा रहा है लेकिन सप्लाई से ज्यादा आ रहा है तो मैं जो रीडिंग डिस्प्ले करूंगा वो कौन सी कर दूंगा सप्लाई वाली कुछ ऐसा ही काम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी करता है वो क्या करता है वो स्टेप डाउन करता है करंट और वोल्टेज को तो एक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होगा जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा एक करेंट ट्रांसफॉर्मर होगा जो करंट को स्टेप डाउन करेगा अब आप ना स्टेप डाउन होने के बाद सेकेंडरी साइड पे मीटर लगाइए कहां लगाइए सेकेंडरी साइड पे लेकिन रीडिंग कौन सी डिस्प्ले करो प्राइमरी वाली यानी वैल्यू आ तो ज्यादा रही है लेकिन स्टेप डाउन होके मीटर तक कम ही पहुंच रही है तो ये जो रेंज ऑफ वॉट मीटर है तो ये वॉट मीटर इज कनेक्टेड ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इस कनेक्टेड ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर ठीक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड पे आपने जोड़ दिया है और ये जो रेटिंग है वोल्टेज रेटिंग करेंट रेटिंग और पावर फैक्टर ये प्राइमरी साइड के हैं लॉजिक समझ आया तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा वॉट इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वोल्टेज रेंज करेंट रेंज पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेंज ऑफ योर वॉट मीटर अब देखो भाई पहले ना मैं एक चीज और बता देता हूं यहां पे जगह ठीक है चलो यहीं बता देता हूं कि इफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन वोल्टेज एंड करेंट ठीक है वोल्टेज और करेंट में अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो तब कैसे वॉटमीटर की रीडिंग निकाली जाती है जैसे मान लो वोल्टेज में एक डीसी वैल्यू है वी नॉट वी एम वन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वन फिर जैसे मान लो वी एम थ्री साइन थ्री ओमेगा टी प्लस थीटा थ्री मान लो ऐसा है करंट के अंदर आई नॉट प्लस आई एम वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन ठीक है प्लस आई एम टू साइन टू ओमेगा टी प्लस फाइव टू प्लस आई एम थ्री साइन थ्री ओमेगा टी प्लस फाई थ्री एंड सो ऑन अब यहां पे देखो जब आप पावर लेते हो ना बेटा एवरेज पावर तो आपको वोल्टेज और करंट में सेम फ्रीक्वेंसी का टर्म लेना होता है तो जैसे वी नॉट आई नॉट फिर फंडामेंटल में वी एम वन आई एम वन बाय टू ये जो बाय टू ले रहे हो ना ये क्यों ले रहे हो ताकि आरएमएस बना पाओ रूट टू रूट टू से आप देखो ये जो आई एम टू है बेटा इसके करेस्पॉन्डिंग ठीक है इसके करेस्पॉन्डिंग कोई वोल्टेज यहां पे है ही नहीं यहां पे सेकेंड हार्मोनिक करेंट में है लेकिन वोल्टेज में नहीं है तो यानी सेकेंड हार्मोनिक की पावर नहीं बनेगी लेकिन थर्ड हार्मोनिक दोनों में है तो आप थर्ड हार्मोनिक की पावर लिखोगे वी एम थ्री आई एम थ्री टू कॉस थीटा थ्री माइनस फाई थ्री समझे इस तरह से तो जब भी आप पावर निकाल रहे हो यू विल यूज द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इट विल बी वोल्टेज आर एम एस आरएमएस इनटू करेंट आर एम एस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम बात समझ में आई हारमोनिक्स के केस में कैसे निकालना है तो बाय टू क्यों किया है टू मेक देम आर एम एस टू मेक देम आर एम एस हे भगवान आ गए स्पैम करने भाई मिल गई फुर्सत क्या ही किया जाए इन लोग का चलो कोई बात नहीं इसी बात की सैलरी मिल रही है आ जाओ अब आते हैं थ्योरम थ्योरम पे क्या कहती है ये एक साइंटिस्ट थे तो ध्यान से सुनना इन्होंने क्या बोला अगर हम थ्री फेज सिस्टम की बात करें क्योंकि प्रैक्टिकली जो हमारा जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारा थ्री फेज है तो अगर हम थ्री फेज सिस्टम की बात करें तो वहां पे पावर मेजर करने के लिए हमें तीन वॉट मीटर की नहीं दो ही वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी यानी कि एन फेज बैलेंस सिस्टम में आपको एन वॉट मीटर नहीं लगाने कितने लगाने हैं एन माइनस वन और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है क्यों डिस्कवरी है ये बहुत बड़ी भाई कि अगर थ्री फेज में कोई भी जनरल आदमी सोचेगा कहोगे थ्री फेज की पावर निकालनी है वो कहेगा हर फेज में एक एक वाट मीटर जोड़ दो हर वाट मीटर की रीडिंग निकाल लो ठीक है वहां पर आपका क्या होगा ठीक है वहां पे आपका क्या होगा तीनों फेस की पावर ऐड होके टोटल पावर मिल जाएगी बात समझ में आ रही है टोटल पावर मिल जाएगी लेकिन मेरे बच्चों इन्होंने क्या बोला इन्होंने ये बोला कि हमें तो तीन वॉट मीटर की जरूरत ही नहीं हमारा तो काम दो में ही हो सकता है अब लेकिन पता है इन्होंने और एक बहुत बड़ी बात बोली कि इवन फॉर थ्री फेस unbalanced system even for three phase unbalanced system we only need we only need two watt meter to measure power टू मेजर थ्री फेस पावर लेकिन क्या सर हमेशा नहीं एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज देयर इज नो जीरो सीक्वेंस करेंट एज लॉन्ग एज देयर इज नो जीरो सीक्वेंस करेंट ठीक है भाई तो जब तक आपके पास अनबैलेंस सिस्टम में कोई जीरो सीक्वेंस करेंट ना आए तब तक अनबैलेंस की पावर भी दो ही वॉट मीटर से दो ही वॉट मीटर से आ जाती है ठीक है दो ही वॉट मीटर से आ जाती है चलो जी अब टू वॉट मीटर मैथड यही कहता है बेटा टू वॉट मीटर मेथड क्या कहता है कि जब कभी आप थ्री फेस सिस्टम की पावर निकालोगे यू विल ओनली नीड टू वॉट मीटर्स इंस्टेड ऑफ थ्री और ये जो मेथड है ये बैलेंस सिस्टम पे भी लग सकता है अनबैलेंस पे भी लग सकता है एज लॉन्ग जीरो सीक्वेंस करेंट गायब रहे जीरो सीक्वेंस करेंट कहाँ गायब होता है बेटा थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में क्योंकि थ्री फोर वायर में, जो आपकी न्यूट्रल वायर होती है दैट कैरीज अ करेंट थ्री टाइम्स जीरो सीक्वेंस करेंट तो थ्री फेज फोर वायर में आपका जीरो सीक्वेंस करेंट आ जाता है इसीलिए कहीं पे भी थ्री फेज थ्री वायर अगर अनबैलेंस भी है देयर यू कैन मेजर द पावर टू वॉटमीटर अब देखो यह है सबसे पहले अगर स्टार कनेक्शन की बात करें स्टार कनेक्शन में ध्यान से देखना पहला जो वॉट मीटर है उसकी बेटा पोटेंशियल कॉयल जोड़ी गई है बी और वाई फेज के बीच में ठीक है पहला जो वॉट मीटर है उसकी पोटेंशियल कॉयल जोड़ी है बी और वाई के बीच में करेंट कॉयल में जो करेंट जा रहा है दैट इज आई बी बी फेज का करेंट ऐसे ही दूसरा जो वॉट मीटर है उसकी कॉइल करेंट कॉल पोटेंशियल कॉइल पे है वी आर वाई और उसमें करंट जा रहा है आई आर ये कनेक्शन ध्यान रखना कि डब्ल्यू वन जो वॉट मीटर होता है उसकी वोल्टेज होती है वी बी वाई और करंट होता है आई बी डब्लू टू जो वॉट मीटर होता है उसकी वोल्टेज होती है वी आर वाई और करेंट होता है आई आर यह है एन न्यूट्रल पॉइंट अब यहाँ पे मेरे बच्चों जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो क्या होता है सबसे पहले ना फेज वोल्टेज को रेफरेंस बना के करते हैं देखो मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा एक विद फेजर और एक विदाउट फेजर या चलो हॉरिजॉन्टल वाला बनाते हैं यार मेरे को ना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वो समझने में भी देखो आर एन को हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं फिर ये 120 डिग्री पे बी एन वाई एन और ये 120 डिग्री पे बी एन ठीक है वी आर एन वाई एन बी एन अब ये जो वायर्स में करंट जा रहा है बेटा लोड में जो करंट जा रहा है ना वो वोल्टेज से फाइव एंगल लैक करेगा ये आपने इंपिडेंस दिखा रखी है ना जेड एंगल फाइव तो इंडक्टिव लोड ले रखा है तो करंट विल लैग द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई ठीक है करंट विल लैग द वोल्टेज ठीक है जी यहां पे देखो ये फाइव फाइव ये हो गया आई आर अब देखो आपको सारे फेजर नहीं चाहिए आपको आपके इंटरेस्ट का फेजर चाहिए करंट तो आपको मिल ही गए अब आपको वोल्टेज कौन कौन सी चाहिए वॉट मीटर वन के लिए बीवाई और वॉट मीटर टू के लिए आर वाई तो बेसिकली वाई का नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना हमको वाई का नेगेटिव हमको बनाना है तो देखो ये मैंने वाई का नेगेटिव बना लिया अब देखो इसमें अगर आर ऐड कर दें वाई के नेगेटिव में तो हमको मिल सकता है ना ये हमको ये क्या मिल गया हमको ये मिल गया बेटा आर वाई क्या मिल गया आर वाई और ये ध्यान रहना चाहिए थ्री फेज में जो लाइन वोल्टेज होती है ना वो फेज से थर्टी डिग्री लीड करती है क्या करती है फेज से थर्टी डिग्री आपका लीड करती है अब अगर यही माइनस वी वाई अगर आप बी में ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी वाई ठीक है यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी वाई ये आ गया ठीक है बीवाई आ गया अब ये जो बीवाई है ये भी बेटा फेज वोल्टेज से कितना एंगल बना रहा होगा थर्टी डिग्री अब मैंने आपको क्या बताया आपको जब कभी वॉट मीटर की रीडिंग लेनी है तो आपको पोटेंशियल कॉल का वोल्टेज करंट कॉयल का करंट और दोनों के बीच के एंगल का कॉस देखना है ठीक है तो वॉटमीटर वन की अगर बात करें ये है वी ये है आई सी सी और दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थर्टी माइनस फाइव तो मैं कहता हूँ डब्ल्यू वन इज वी बी वाई आई बी कॉस थर्टी माइनस फाइव बी वाई जो है लाइन वोल्टेज है आई बी जो है लाइन करेंट है कॉस थर्टी माइनस फाइव ठीक है जी बढ़िया अब ऐसे ही मेरे बच्चों अगर आप दूसरा वॉट मीटर देखोगे तो उसका पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज है वीपीसी वी आर वाई और करेंट कॉइल का करेंट है आई आर दोनों के बीच का एंगल नजर आ रहा है आपको थर्टी प्लस फाइव ठीक है वॉट मीटर की रीडिंग का मेथड ध्यान रखो पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज देखना है और करेंट कॉयल का करेंट तो ये आ गया वी एल आई एल थर्टी प्लस फाइव अब सर क्या हमको हर बार फेजर बनाना पड़ेगा बेटा नहीं फेजर नहीं बनाना पड़ेगा बट अभी मैं उस अप्रोच पे आता हूं पहले मैं आपको स्टार डेल्टा दोनों करा दूं फिर दोनों का विदाउट फेजर अप्रोच बताऊंगा ठीक है अब डेल्टा कनेक्शन के अंदर डेल्टा कनेक्शन के अंदर भी वॉट मीटर का पोजिशनिंग वही है लेकिन लोड हो गया है स्टार की जगह डेल्टा अब यहां पे बेटा डेल्टा कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज सेम होती है आप उसी को एज आ रेफरेंस मानोगे बस यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे लाइन करंट आपको ना निकालना पड़ेगा लाइन करंट डायरेक्टली नहीं आएगा जैसे स्टार में तो आपने क्या किया जो एम्पिडेंस का करंट था वही लाइन करंट था लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है देखो यहाँ ये यह आई आर वाई है यहाँ पे जो है ना फेज करेंट तो एम्पिडेंस से आ जाते हैं लेकिन लाइन करेंट हमको निकालने पड़ते हैं ये देखो तो ये जो आई आर होता है यहां पे दिस इज एक्चुअली आई आर वाई के सी एल से लिख रहे हैं माइनस आई बी आर ऐसे यहां पे देखो ये जो आई बी करेंट जाएगा आई बी करेंट जो जाएगा दैट इज आई बी आर माइनस वाई बी यह आया बी आर माइनस वाई बी अब यहां पे फेजर कैसे बनेगा देखो यहां पे फेजर बनाने के लिए सबसे पहले ना लाइन और फेज वोल्टेज दोनों ही आपके लिए रेफरेंस का काम करेंगे ठीक है यहां पे लाइन कह दो या इसको फेज कह दो, दोनों ही सेम वोल्टेज हैं, ये होता है वी आर वाई ये वाई बी और ये बी आर है ना वो अलग बात है वाई बी की जगह मुझे बी वाई वोल्टेज चाहिए मीटर रीडिंग के लिए लेकिन ये बनाया अब बेटा जो इनके करेंट्स हैं वो वोल्टेज से फाई एंगल लैग कर रहे हैं ये आई आर वाई फाइव एंगल लैगिंग ठीक है फिर यहां से चलो ऐसे ले लो कोई बात नहीं बट ऐसे ना गड़बड़ हो जाएगी रुको ये ले लो ये हो गया आई बी इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ रोटेट कर दें ठीक है और यहां पे ऐसे ही आ जाएगा ये आई बी आर है और ये आई वाई बी अब आई आर जो है वो कितना है आर वाई माइनस बी आर ना आर वाई माइनस बी आर तो देखो माइनस बी आर के लिए बी आर से अपोजिट एक एरो बनाया यहां से भी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की आर वाई माइनस बी आर कर रहे थे ना हम लोग तो देखो ये बन गया आई आर अब मेरे को क्या पता है लाइन करंट फेस से ना थर्टी डिग्री लैग करता है तो ये हो गया थर्टी ठीक है ये एंगल आ गया थर्टी डिग्री डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेस से थर्टी लैग करता है अब आई भी चाहिए बी आर माइनस वाई बी माइनस वाई बी का मतलब है वाई बी से अपोजिट एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बी आर माइनस वाई बी का मतलब है ऐसे ठीक है और ये देखो ये हुआ ये ऐसे आ गया ये फाइव और ये थर्टी ठीक है लेकिन मुझे वोल्टेज कौन सी चाहिए भाई वाई भी नहीं चाहिए बीवाई चाहिए बीवाई अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा वाई बी का अपोजिट ऐसे ठीक है ये हुआ बी वाई जो कि यहां से होगा एक सेकेंड बीवाई को थोड़ा और रोटेट करना पड़ेगा यह सिक्सटी डिग्री पे आएगा बी ये आएगा यहां से 60 डिग्री पे ठीक है तो मुझे वी बी वाय और आईबी के बीच का एंगल चाहिए ना वी बी वाई आई बी इनके बीच का एंगल कितना है भाई 60 माइनस थर्टी प्लस फाइव यही तो है वी बी वाई है लाइन वोल्टेज आई बी है लाइन करेंट कॉस 30 माइनस फाइव और W2 के केस में वी आर वाई और आई आर अब जरा फेजर में देखो वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल थर्टी प्लस फाइव नजर आ रहा होगा यानी ये हो गया वी एल आई एल कॉस थर्टी प्लस फाइव तो देखो रीडिंग दोनों ही केसेस में सेम आई माने सेम फॉर्मूला यूज होता है स्टार और डेल्टा कनेक्शन के अंदर भले ही आपका लोड स्टार है या डेल्टा इससे आपके एक्सप्रेशन पे इससे आपके फॉर्मूला पे कोई असर नहीं आता है कोई असर नहीं आता अब अगर हम बात करें भाई विदाउट फेजर डायग्राम की अगर मैं ये कहूं कि मुझे भाई फेजर का ना यूज ही नहीं करना है ठीक है तो देखो सबसे पहले आप स्टार कनेक्शन की अगर बात करें तो आप ना आर एन को रेफरेंस मान लीजिए वी पी एच एंगल जीरो फिर वाई एन को वी पी एच एंगल माइनस वन ट्वेंटी बी एन को वी पी एच एंगल प्लस वन ट्वेंटी अब आप देखो यहां पे आप लोग ना लाइन वोल्टेज पता करो लाइन वोल्टेज फेज से 30 डिग्री लीड करती है और साथ साथ बेटा ना रूट थ्री टाइम्स भी हो जाती है लेकिन मुझे तो बी वाई चाहिए ना बीवाई जो होगा 180 के फेस शिफ्ट से आएगा यानी प्लस नाइन्टी बीवाई जो है 180 के फेस शिफ्ट से आएगा तो माइनस नाइन्टी का प्लस नाइन्टी अब यहां पे देखो आप आई आर अगर निकालते हो तो वी आर एन बाय जेड एंगल फाइव करोगे यानी वी पी एच बाई जेड एंगल माइनस फाई आप इसको लिख दीजिए आई एल एंगल माइनस फाइ ठीक है आई बी अगर निकालते हो वी बी एन बाय जेड एंगल फाइव वी पी एच बाई जेड बी एन का जो एंगल है प्लस वन ट्वेंटी है ना तो वन ट्वेंटी माइनस फाइव तो आई एल एंगल वन ट्वेंटी माइनस फाइव अब यहां पे आप देखें अगर वॉट मीटर वन की रीडिंग वी बी वाई आई बी और आई बी के बीच का एंगल बी वाई का है 90 आई बी का है वन ट्वेंटी माइनस फाइव तो वी एल आई एल तो देखो कॉस फाइव माइनस थर्टी हो जाएगा फाइव माइनस थर्टी या थर्टी माइनस फाइव कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस में डब्लू टू वी आर वाई आई आर अब आर वाई का एंगल है थर्टी आई आर का है माइनस फाइव तो ये हो गया वी एल आई एल देख रहे हो सेम आ गया बिना कोई फेजर बनाए ऐसे आप डेल्टा का भी कर सकते हो बस डेल्टा में ये ध्यान रखना कि लाइन करंट करंट फेज करेंट से 30 डिग्री लैग करता है स्टार में लाइन वोल्टेज लीड्स द फेज वोल्टेज बाय 30 एंड इन डेल्टा लाइन करंट लैग्स द फेज करंट बाय 30 अब देखो जब हमें टोटल एक्टिव पावर चाहिए होती है बेटा तो हम क्या करते हैं दोनों वॉट मीटर की रीडिंग को एड करते हैं कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी ठीक है थ्री, रूट थ्री, तो थ्री फेज पावर का फॉर्मूला होता है बताओ यही तो नेटवर्क में थ्री फेज पावर का फॉर्मूला पढ़ते हैं रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव तो वही आ जाता है अगर दोनों वॉटमीटर की रीडिंग का सम कर लें टोटल रिएक्टिव पावर अब आप ये देखो W1 वन कितना आया आपका वी एल आई एल कॉस थर्टी माइनस फाइव यह आया ना और W2 टू कितना आया वी एल आई एल कॉस थर्टी प्लस फाइव अब जब बेटा आप दोनों को ऐड करेंगे w1 वन माइनस तो ये होगा वी एल आई एल कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी ठीक है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज टू साइन ए साइन बी अब साइन थर्टी कितना होता है बेटा हाफ होता है तो ये हो गया वी एल आई एल साइन फाइ लेकिन मुझे पता है रिएक्टिव पावर ना रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाइव होती है तो मैं कहता हूँ कि रिएक्टिव पावर नहीं है रिएक्टिव पावर मेरी होगी रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाइ यानी इट विल बी रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू तो वॉट मीटर्स की रीडिंग के सम से आती है एक्टिव पावर और उनका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री विल गिव यू द रिएक्टिव पावर तो जब अगर पावर फैक्टर की बात आएगी तो पहले आप क्या करेंगे टेन फाइव इज क्यू बाय पी तो फाइव हो जाता है बेटा टेन इनवर्स रिएक्टिव पावर बाय रियल पावर टेन इन्वर्स रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू अपॉन डब्लू वन प्लस डब्लू टू ठीक है तो यहां से फाइव आपका पॉजिटिव आता है लैगिंग के लिए क्योंकि लैगिंग के लिए ही सारा डेरिवेशन हुआ है और फाइव नेगेटिव आएगा लीडिंग के लिए और इवन जो आपने W1, W2 के फॉर्मूले भी निकाले हैं ना उसमें पॉजिटिव रखोगे फाइव की वैल्यू लैगिंग पावर फैक्टर के लिए और नेगेटिव रखोगे लीडिंग के लिए और फिर अगर आपको पावर फैक्टर चाहिए भाई अगर आपको पावर फैक्टर ही चाहिए तो एक बार फाइ आ गया तो आप निकाल दो कॉस फाइव फाइव आने के बाद आप कॉस फाइव निकाल दो दैट विल गिव यू द पावर फैक्टर तो देखो समरी में क्या है ये जो वॉटमीटर के फॉर्मूले हैं ये वाला वॉट मीटर डब्ल्यू वन कहां कनेक्ट होता है बी एंड वाई के बीच में डब्लू टू कहां कनेक्ट होता है आर एंड वाई के बीच में रीडिंग्स जो है स्टार और डेल्टा से इंडिपेंडेंट होती हैं टोटल रियल पावर एज समब्लू वन डब्लू टू रिएक्टिव पावर रूट थ्री डिफरेंस ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू फाइव टेन इनवर्स फॉर लीडिंग पावर फैक्टर वी यूज नेगेटिव वैल्यू ऑफ फाइव इन दॉट मीटर रीडिंग ठीक है अब देखो जब फाइव आपका सिक्सटी आप डिग्री से बड़ा होगा तो ये थर्टी प्लस फाइव नाइन्टी से बड़ा हो जाएगा सोच के देखो फाइव अगर सिक्सटी के ऊपर निकला तो थर्टी प्लस फाइव नाइनटी के ऊपर निकलेगा और अगर ये नाइनटी के ऊपर निकला तो बेटा कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी यानी फॉर फाइव ग्रेटर देन सिक्सटी डिग्री वी गेट नेगेटिव रीडिंग ऑफ वॉट मीटर डब्ल्यू टू ट नेगेटिव रीडिंग ऑफ वॉट मीटर डब्ल्यू टू फाइव ग्रेटर है 5 .5 से छोटा अगर देखो किसी भी में, कभी भी एक वॉट मीटर की रीडिंग नेगेटिव दी है और पावर फैक्टर पूछा गया है तो सबसे पहले ऑप्शन में यह चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन पॉइंट फाइव से छोटा है क्योंकि अगर कभी भी एक वॉट मीटर की रीडिंग नेगेटिव आती है तो पावर फैक्टर विल भी लेस देन पॉइंट फाइव ठीक है अब कई बार देखो क्या होता है वॉट मीटर की रीडिंग नेगेटिव होती है जिस कारण से उसको ना हम रीड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे वॉट मीटर का जो स्केल है वो जीरो से चालू हो रहा होता है तो अगर आप नेगेटिव रीडिंग को रीड नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो ना उसकी वोल्टेज पोलैरिटी पलट देते हो यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज कर देते हो जिससे वो रीडिंग पॉजिटिव होके रीड हो जाती है जैसे मान लो किसी वॉट मीटर की रीडिंग माइनस फाइव आनी है लेकिन माइनस फाइव वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा तो आप वोल्टेज की वायर्स को एक्सचेंज कर दो अब वो 500 दिखाएगा लेकिन आप वैल्यू यूज क्या करोगे नेगेटिव 500 ही तो आप ये जो लीड एक्सचेंज कर रहे हो बस इसलिए करते हो ताकि आप वैल्यू को रीड कर पाओ वरना तो वॉट मीटर जीरो के नीचे वाली वैल्यू दे ही नहीं रहा दे ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो गई ना तो मैंने लीड एक्सचेंज करके पॉजिटिव बनाया बट अपनी कॉपी में कैसे लिखा विद नेगेटिव साइन अब देखो यहां पे मैंने एक टेबल बना दी है बेटा फाइव कॉस फाइव डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू टोटल पावर और ऑब्जर्वेशन देखो जरा फाइव जीरो है तो पावर फैक्टर वन है वी आई एल कॉस थर्टी माइनस जीरो यानी रूट थ्री बाय टू वी एल आई एल वी एल आई एल कॉस थर्टी प्लस जीरो रूट थ्री बाय टू वी एल आई एल टोटल पावर दोनों का सम रूट थ्री वी एल आई एल ऑब्जर्वेशन क्या है जब फाइव जीरो होता है तो दोनों वॉट मीटर की रीडिंग बराबर आती है डब्ल्यू टू इक्वल टू डब्ल्यू वन थर्टी डिग्री थर्टी माइनस थर्टी जीरो वी एल आई एल थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी वी एल आई एल बाई टू सम कितना आया थ्री बाई टू वी एल आई एल ऑब्जर्वेशन डब्लू टू या डब्लू वन इक्वल टू टू टाइम डब्ल्यू टू सिक्सटी डिग्री पॉइंट फाइव थर्टी माइनस सिक्सटी इज माइनस थर्टी रूट थ्री बाई टू थर्टी प्लस सिक्सटी नाइनटी जीरो सम कितना आया रूट थ्री बाई टू वी एल आई एल ऑब्जर्वेशन एक वॉट मीटर की रीडिंग जीरो तो किसी भी क्वेश्चन में बेटा अगर एक वॉट मीटर की रीडिंग जीरो दे रखी हो तो समझ जाना पावर फैक्टर पॉइंट फाइव अब 90, 90 पे थर्टी माइनस नाइनटी माइनस सिक्सटी वी एल आई एल बाई टू थर्टी प्लस नाइनटी वन ट्वेंटी माइनस वी एल आई एल बाई टू दोनों का सम जीरो ऑब्जर्वेशन एक वॉट मीटर की रीडिंग दूसरे से नेगेटिव तो आप ये ध्यान ही रखिए बेटा अगर आप फाइव सिक्सटी के ऊपर ले जाते हो तो वॉट मीटर की रीडिंग एक नेगेटिव आती है दो में से एक रीडिंग नेगेटिव आती है अब आपको अगर रिएक्टिव पावर मेजर करना है अगर मेरे बच्चों आपको रिएक्टिव पावर मेजर करना है तो आप क्या करते हैं आप पोटेंशियल कॉयल को रखते हैं वाई और बी फेज में करेंट कॉयल को आर में अब की बात पोटेंशियल और करेंट कॉयल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है आप क्या कहते हो करेंट कॉयल देखो लैंग्वेज में यही लिख के आएगा करेंट कॉयल इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द फेजेस इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द फेजेस वाइल वाइल पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड एक्रॉस अदर टू फेजेस एक फेज में करेंट कॉइल है और बाकी के दो फेजेस में आपने एक पोटेंशियल कॉइल जोड़ी है अब इसकी रीडिंग कैसे आए देखिएगा फिर से आप वी आर एन को रेफरेंस ले लो तो आई आर क्या होगा वी आर एन बाय Z एंगल फाइव वी पी एच बाय जेड एंगल माइनस फाइव तो आप इसको ना आई एल एंगल माइनस फाइव लिख लो ठीक है अब इसके बाद वी आर वाई आपका होगा वी पी एच एंगल थर्टी वी वाई बी जो कि मेरी पोटेंशियल कॉइल की वोल्टेज भी है वो इससे 120 ट्वेंटी लैक करेगी यानी माइनस नाइन्टी अब बेटा अगर आपको वाट मीटर की रीडिंग चाहिए तो आप कहोगे वी पी सी आई सी सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी पी सी एंड आई सी सी ये लॉजिक समझ आ रहा है ना वाट मीटर रीडिंग का वी पी सी है लाइन वोल्टेज अच्छा सॉरी यहाँ पे वी एल लिख देना. रूट थ्री टाइम्स फेज होती है ना वी एल आई सी सी है आई एल एंगल एक का माइनस नाइन्टी एक का माइनस फाइव तो ये आ गया वी एल आई एल साइन फाइव यही तो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू भी आ रहा था वही अब भी आ गया सीधा वी एल आई एल साइन फाइव तो अब अगर आप एक चीज नोटिस करो ना रिएक्टिव पावर जो होगी वो रूट थ्री डब्लू होगी सिंपल अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला था वॉट मीटर तो एक्टिव पावर नापता है ये तो रिएक्टिव पावर आ गई बेटा तो तो और आप जानते हो दिस इज रिएक्टिव पावर वॉट मीटर ने तो अब भी रीडिंग यही दी थी वीपीसी आईसीसी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम वो तो अपने हिसाब से एक्टिव पावर दे रहा है ये तो आपने पोटेंशियल कॉल और करेंट कॉयल को कुछ इस हिसाब से जोड़ा हुआ है कि आपको साइन फाइव मिल रहा है रीडिंग में विच इंडिकेट्स रिएक्टिव पावर तो वॉट मीटर अगर वॉट में ही देगा रीडिंग आप उसकी यूनिट बदल के वी ए आर लगाओगे बिकॉज यू नो दिस मैग्निट्यूड इज इक्वल टू द रिएक्टिव पावर चमका वॉट मीटर रिएक्टिव पावर मेजर नहीं करता है बट रिएक्टिव पावर चाहिए तो एक वॉट मीटर से आ जाएगी दो की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली जरा क्वेश्चन देखो फटाफट फड़ से क्वेश्चन देखो बिना फेजर के सॉल्व करेंगे वॉट मीटर्स की रीडिंग पूछ रहा है पहले तो बेटा यही चेक कर लिया करो कि क्या स्टैंडर्ड कनेक्शन है पहले यह चेक किया करो कि क्या यह स्टैंडर्ड कनेक्शन है देखो जरा एक वॉट मीटर आर और वाई के बीच में आ रहा है एक वॉट मीटर बी और वाई के बीच में आ रहा है स्टैंडर्ड है बोलिए लेकिन ये डब्ल्यू वन बोल रहा है आर वाई वाले को और डब्ल्यू टू बोल रहा है BY वाले को है ना तो ये तो स्टैंडर्ड कनेक्शन हुआ बस नाम इसने एक्सचेंज कर दिए हमने BY वाले को डब्ल्यू वन बोला था इसने आर वाई वाले को बोल दिया बस इतना ही तो है अब इस चीज पे कोई जान थोड़ी लेंगे इसकी हम लोड में दिख रहा है फाइव या सिक्सटी अब तो निकाल दो भाई स्टैंडर्ड कनेक्शन का तो तुमको फॉर्मूला पता ही है सी आ रहा है देखें जरा फाइव दे दिया सिक्सटी अब वी एल चाहिए वीएल तो हमें दे रखा है ना लाइन टू लाइन इज हंड्रेड ठीक है अब यहां पे जो फेज वोल्टेज होगी स्टार में दैट विल बी हंड्रेड बाय रूट थ्री तो करंट जो आ जाएगा हंड्रेड बाय रूट थ्री अपॉन फाइव ट्वेंटी बाय रूट थ्री अब देखो आर और वाई के बीच में जो आता है W1 वन वो आता है ये W1 W2 मत याद करके रखना आर वाई और बीवाई याद करके रखना 100 20 बाय रूट थ्री फाइव है 60 तो कॉस 90 यानी जीरो ये कॉस थर्टी बनेगा रूट थ्री बाय टू तो थाउजेंड वॉट तो आंसर विल बी सी है ना जब कभी स्टैंडर्ड कनेक्शन है तब तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो वरना बेसिक से जाना वीपीसी आईसीसी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम अगला देखो जरा अ वॉट मीटर रीड्स फोर हंड्रेड वॉट वेन इट्स करेंट कॉइल इज कनेक्टेड इन आर फेज पोटेंशियल कॉल बिटवीन दिस फेज एंड न्यूट्रल सप्लाइंग बैलेंस आर कनेक्टेड लोड पॉइंट एट पावर फैक्टर फेस सिक्वेंस आर वाई बी अगर पोटेंशियल क्वल बी और वाई में ले जाए बाकी कनेक्शन सेम रखें तब रीडिंग क्या होगी करो जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये फटाफट से बनाओ इसको या भाई इसका आंसर देखो वाट मीटर रीड कर रहा है 400 सो वॉट वेन करेंट कॉयल है आर फेज में पोटेंशियल कॉइल है आर और न्यूट्रल के बीच तो पोटेंशियल कॉयल का वोल्टेज है वी आर एन यानी वी करंट एच कॉयल का करंट है आई आर अब यार वी आर एन और आई आर के बीच में तो फाइव एंगल ही होता है तो ये जो 400 सौ वॉट है ये है वी पी एच आई एल कह दो कॉस फाइव क्योंकि फेज वोल्टेज और फेज करेंट के बीच में ही पावर फैक्टर एंगल होता है हमेशा ध्यान रखिएगा पावर फैक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करेंट तो यहां से वीपीएच आई एल आ गया cos फाइव पॉइंट एट है ना फाइव हंड्रेड अब बेटा ये कह रहा है करेंट कॉइल तो एज इट इज है पोटेंशियल कॉइल दूसरे दो फेजेस के बीच में चली गई बी और वाई अब सोचो करेंट कॉइल आर फेज पोटेंशियल कॉइल बी और वाई फेज तो वॉट मीटर की जो रीडिंग आनी चाहिए दैट इज वी एल आई एल साइन फाइव लॉजिक समझ रहे हो एल आई एल साइन फाइव क्यों बोल रहा हूं इस वाले केस के बेसिस पे करेंट कॉयल इन वन फेज पोटेंशियल कॉयल इन दी अदर टू फेज तो यहां पर मेरे बच्चों वीएल आई एल जो होगा रूट थ्री वी पी एच आई एल और साइन फाइव तो पॉइंट सिक्स हो जाएगा वीपीएच आई एल है फाइव हंड्रेड इन टू पॉइंट सिक्स फाइव हंड्रेड इंटू पॉइंट सिक्स थ्री हंड्रेड पांच 519.6 तो पॉइंट 519 तो समझे क्लियर हुआ ये मेथड बताओ अब क्लियर हुआ क्वेश्चन में कैसे मेंशन करेगा तो जिसको पता है कि करंट कॉइल एक फेज में और पोटेंशियल कॉइल बाकी दो फेज में जाने से रीडिंग आती है वीएल आई एल साइन फाइव वो इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से बना देगा अगला करो सिंगल फेस लोड कनेक्टेड बिटवीन आर एंड वाई टर्मिनल वॉट मीटर इज कनेक्टेड द पावर फैक्टर इज पॉइंट एट लैगिंग दॉट मीटर विल रीड यह हंड्रेड ओम है ठीक है यह इम्पिडेंस है हंड्रेड ओम की जिसका पावर फैक्टर है पॉइंट एट लैगिंग वॉट मीटर क्या रीड करेगा अब देखो ये कोई स्टैंडर्ड कनेक्शन नहीं है यह आपकी पोटेंशियल कॉइल बी और एन के बीच में है करेंट कॉइल आर और वाई के बीच में है आर में है बेसिकली तो आप यहां पे बेसिक से कीजिए यानी वीपीसी ICC कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम करो बेसिक से करो इसको गुड इवनिंग रजनीश काफी लेट आ रहे हो बेटा सेशन में दो घंटे से भी ज्यादा हो गए सेशन को चलते हुए मयंक कह रहे हैं बी चलो देखते हैं बाकी लोग भी निकालो भाई बी चलो देखें देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है ना एक रेफरेंस लेना है जैसे वी आर एन लिया लाइन वोल्टेज 415 है ना अब जो आर वाई होगा वो रूट थ्री टाइम्स होगा और तीस डिग्री लीड करेगा अब बी एन आपका पोटेंशियल कॉयल का वोल्टेज है ना तो बेटा ये 120 डिग्री लीड करता है आर एन से ठीक है और ये जो करंट जा रहा है करंट कॉयल में ये कैसे निकालोगे ये वी आर वाई से आएगा वी आर वाई बाय जेड तो वी आर वाई है 415 एंगल 30 Z है 100 एंगल 36.86.8 सिक्स है ना तो 4.15 एंगल माइनस सिक्स ये हो गया अब बेटा यहाँ पे वॉट मीटर रीडिंग देखो पोटेंशियल कॉयल का वोल्टेज 415 सौ पंद्रह बाई रूट तीन करंट कॉयल का करंट चार पॉइंट एक पांच दोनों के बीच का एंगल एक का एक सौ बीस है एक का माइनस छ पॉइंट छियासी एक सौ छब्बीस पॉइंट छियासी कितना आ रहा है बी आ रहा है चलो लॉजिक क्लियर हुआ कैसे करना है बताओ अगर कोई भी रैंडम वॉट मीटर का क्वेश्चन दे दू रीडिंग निकाल सकते हो पोटेंशियल कॉयल का वोल्टेज चाहिए करंट कॉयल का करंट चाहिए और दोनों फेजर फॉर्म में अगर आ गए तो आपको आंसर मिल जाएगा अगला ट्राई करें ये वाला अभी रहने दो ये एरर से रिलेटेड है ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर बारह दोबारा से करेंगे बाद में चलो क्या कह रहा है वेन टू वॉट मीटर डब्लू वन डब्लू टू आर यूज टू मेजर पावर इनपुट टू अस मोटर ईच ऑफ दैम इंडिकेट सिक्सटी किलो वॉट इफ द पावर फैक्टर इज टू बी चेंज टू पॉइंट एट सिक्स लीडिंग कीपिंग द टोटल इनपुट पावर सेम वॉट इज डब्लू वन एंड डब्लू टू पुष्पाशीष कह रहे हैं सी, बाकी लोग बोलो भाई मनीष कह रहे हैं बी चलो देखें जरा देखो टोटल पावर सेम रखनी है पहले दोनों साठ साठ दिखा रहे थे ना मतलब टोटल तो 120 ही रखनी है लेकिन अब पावर फैक्टर कितना हो जाना चाहिए भाई ये हो जाना चाहिए पॉइंट एट सिक्स सिक्स लीडिंग पॉइंट एट सिक्स सिक्स ना एक्चुअली रूट थ्री बाय टू होता है तो ये थ्री बाय टू बन जाएगा जिससे वी एल आई एल आ गया एट्टी अब वॉट मीटर वन की रीडिंग वी एल आई एल कॉस थर्टी माइनस फाइव अब फाइव जो है ना आप यहां से माइनस थर्टी रखोगे लीडिंग है ना इसीलिए तो ये इस सिक्सटी हो जाएगा एट्टी कॉस सिक्सटी एज फोर्टी और W2 VL IL cos 30 थर्टी प्लस फाई, तो ये जीरो हो जाएगा phi को माइनस थर्टी रख के दिस इज एटी किलो वॉट तो फोर्टी एंड एट्टी सी ठीक है फोर्टी एंड एट्टी अब आते हैं बेटा एरर पे अब देखो एरर की जब बात करते हैं तो अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे ना हम लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई ये जो पोटेंशियल कॉयल और करेंट कॉयल है इनकी इम्पिडेंसिस को इग्नोर कर दिया जाए लेकिन प्रैक्टिकली इनकी कुछ ना कुछ इम्पिडेंस तो होगी तो देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है ना कि आप एम कनेक्शन ले रहे हो मेन कॉमन एम कनेक्शन में क्या होता है कि ये जो करेंट कॉयल होती है ये लोड के करीब होती है अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए करंट कॉयल का रेजिस्टेंस है आर कितना है आर और पोटेंशियल कॉइल का सीरीज रेजिस्टेंस है आर एस मुझे यह जानना है अगर इनकी इंपीडेंसेस को कंसीडर करें तब क्या रीडिंग एग्जैक्ट आएगी अब आप देखिएगा देखिए लोड का वोल्टेज है वी एल लोड का करंट है आई एल तो करंट कॉयल में तो सही करंट जा रहा है लेकिन क्या पोटेंशियल कॉयल के अक्रॉस वीएल वोल्टेज मिल रहा है नहीं उसमें करंट कॉइल का वोल्टेज भी ऐड होके मिलेगा दैट इज आई एल आर सी समझ रहे हो मैं ये बोल रहा हूं करंट कॉइल में तो जो करंट आ रहा है बेटा दैट इज आई एल आप इसको एंगल माइनस पाई कर लो वी एल को रेफरेंस लेके बट पोटेंशियल कॉइल में जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज वी एल एंगल जीरो है ना लोड जो है कॉस फाई लैगिंग है इसीलिए मैंने वी को रेफरेंस मान के आई को लैगिंग ले लिया प्लस यहां पे एक आई एल आर सी ये वोल्टेज तो करंट के सेम फेज में होगा भाई रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के सेम फेज में होता है अब देखो मैंने आपको ना रीडिंग निकालने का वॉट मीटर का एक तरीका यह भी बताया आज रियल पार्ट ऑफ वी पी सी, सी, सी कॉन्जुगेट ठीक है वी एल एंगल जीरो प्लस आई एल आर सी एंगल माइनस फाइव और आई एल का कॉन्जोगेट अब देखो ये जो सेकेंड टर्म है बेटा माइनस फाइव प्लस फाइव ये हो जाएगा जीरो और पहली टर्म हो जाएगी वी एल आई एल एंगल फाइव प्लस आई एल स्क्वायर आर सी अब देखना जरा यहां से पावर कितनी आ जाएगी पहली टर्म का रियल पार्ट है वीएल आई एल कॉस पाई जो कि लोड की पावर है प्लस उसमें देखो रेजिस्टेंस की पावर एक्स्ट्रा आ रही है बेटा ये जो आर सी है आर सी की पावर एक्स्ट्रा आ रही है तो ये तो एरर बन गया ना एरर बन गया आपकी ट्रू पावर कितनी है वी एल आई एल कॉस पाई और मेजर्ड पावर है ये तो आपके पास बेटा एरर कितना आ गया यहां पे बताओ एरर आ गया आई एल स्क्वायर आर सी और परसेंटेज एरर अगर देखें तो आई एल स्क्वायर आर सी बाय वी एल आई एल कॉस फाई इन टू हंड्रेड ठीक है तो आई एल से आई एल कट जाएगा तो ये आया ना लॉजिक क्लियर हुआ बोलो भाई लॉजिक क्लियर हुआ सबको बताओ फटाफट से हमने कैसे किया इसे अब ऐसे बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है एलसी कनेक्शन की एलसी कनेक्शन की खास बात क्या होती है कि यहां पे ना पोटेंशियल कॉइल लोड के करीब होती है यहां पे पोटेंशियल कॉयल लोड के करीब होती है तो यहां पे मैं कहता हूं फिर से आप ऐसा ही मानिए ना कॉस फाइ लैगिंग का आपका लोड है तो आप इसकी वोल्टेज को एज अ रेफरेंस ले लीजिए और इसका करंट जो है ये माइनस फाइव हो गया आईएल, आईएल एंगल माइनस फाइव अब देखो पोटेंशियल कॉइल पे तो सही वोल्टेज आ रही है यहां पे पोटेंशियल कॉइल पे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन करंट कॉइल में जो करंट जा रहा है दैट इज टू करेंट्स एक तो आई एल एंगल माइनस फाइव और एक वी एल एंगल जीरो बाई आर एस यानी पोटेंशियल कॉइल का करंट है ना करंट कॉइल में इस बार दो करंट एंटर हो रहे हैं एक पोटेंशियल कॉइल का और एक लोड का अब फिर से आप क्या कहोगे कि वॉट मीटर रीडिंग इज रियल पार्ट ऑफ वीपीसी आईसीसी कॉन्जुगेट वीपीसी तो वीएल एंगल जीरो है सिंपल ठीक है आईसीसी का कॉन्जुगेट इज आईएल एंगल फाइव दूसरी टर्म का तो एंगल जीरो ही है, क्या ही फर्क पड़ेगा जीरो का कॉन्जुगेट तो सेम रहता है अब देखो ये हो गया वी एल आई एल एंगल फाइ प्लस वी एल स्क्वायर बाय आर एस अब पहली टर्म का जो रियल पार्ट है वो कितना आएगा वी एल आई एल कॉस फाई प्लस एल स्क्वायर बाय आर एस तो ये तो आ गई मेजर्ड पावर बेटा ट्रू पावर क्या होती है वी एल आई एल कॉस फाइ तो आपके पास एरर आ गया ना पोटेंशियल कॉइल की जो पावर है वही आपका एरर हो गया एरर क्या हो गया पोटेंशियल कॉइल की पावर तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाय आर एस बाय वी एल आई एल कॉस पाई ट्रू पावर इट इज वी एल बाय आई एल आर एस कॉस पाई इन टू हंड्रेड परसेंट अब आप ये देख सकते हो बेटा जब पोटेंशियल कॉइल नियर टू लोड है तो एरर आ रहा है पोटेंशियल कॉइल का पावर क्या आ रहा है एरर पावर ऑफ पोटेंशियल कॉइल जब करंट कॉइल नियर था तो एरर आ रहा था पावर ऑफ करंट कॉइल ठीक है तो यानी जो कॉइल पास होती है उसमें जो पावर कंज्यूम होगी दैट विल बी द एरर फिर देखो इसके एरर में परसेंटेज एरर में आईएल ऊपर आ रहा है इसके परसेंटेज एरर में आईएल नीचे आ रहा है तो दिस इज हाई लोड करेंट पे प्रेफरेबल होगा एरर घट जाएगा और ये वाला बेटा ये लो आईएल पे प्रेफरेबल होगा क्योंकि आईएल लो होगा तो इसका भी एरर कम हो जाएगा समझे तो यानी एक कनेक्शन लो लोड करेंट के लिए अच्छा है और एक हाई लोड करेंट के लिए अब जरा ये क्वेश्चन देखो ट्राई करो इसको ये बीस एम्पियर है 200 वोल्ट और ये बेटा आपका मैं बता देता हूं कितना है ये यूनिटी पावर फैक्टर है ठीक है यूपीएफ करना जरा ये पॉइंट जीरो टू 1000 ओम थाउजेंड वैसे लिखा भी है क्वेश्चन में कुंवर कह रहे हैं सी देखें देखो यहाँ पे करेंट कॉइल नियर द लोड है तो आपके पास जो एरर आएगा वो करेंट कॉइल की पावर आएगी 20 स्क्वायर इंटू पॉइंट जीरो टू एट वाट तो परसेंटेज एरर कितना आएगा दैट इज द एरर अपॉन ट्रू पावर ट्रू पावर है लोड का वोल्टेज इन लोड का करेंट इनटू लोड का पावर फैक्टर तो 40.2 पॉइंट टू परसेंट सर मोर या लेस ये कैसे डिसाइड करेंगे बेटा मोर ही आएगी ना एरर आपका पॉजिटिव आ रहा था एरर की वजह से मेजर्ड पावर आपकी ज्यादा आ रही है एड होके आ रही है ना एक्स्ट्रा पावर जब पावर एड होके आ रही है यानी कि मेजर्ड पावर इज मोर देन ट्रू पावर क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट तो जो कॉइल पास में होगी उसी का एरर लोगे तो एरर इन पावर इज द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल नियर लोड एमसी में आई एल एस तो एमसी इज सुटेबल फॉर लो वैल्यू ऑफ आई एल एल सी इज सुटेबल फॉर हाई वैल्यू ऑफ आई एल ठीक है अब एरर ड्यू टू तो पोटेंशियल कॉइल करेंट फ्लोइंग इन सी सी देखो क्या होता है बहुत बार ना जब आप एल कनेक्शन बनाते हो तो आप जानते हो कि करेंट कॉयल में एक एक्स्ट्रा करेंट फ्लो करता है दैट इज आई ठीक है तो इन एल सी कनेक्शन सी सी कैरीज आई पी सी इन एडिशन टू आई एल अब क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा करेंट फ्लो कर रहा है बेटा तो ये जो करंट कॉइल है ये ज्यादा फ्लक्स बनाएगी करेंट कॉयल ही तो आपकी फिक्स कॉइल है करंट कॉयल तो फिक्स कॉइल है जिसकी जिम्मेदारी है फ्लक्स बनाने की अब आप कह रहे हो एलसी कनेक्शन में करंट कॉल में एक्स्ट्रा करंट जा रहा है किसका करंट एक्स्ट्रा जा रहा है पोटेंशियल वाला करंट भी आइडियली करंट कॉयल के अंदर सिर्फ लोड करंट जाना चाहिए लेकिन अगर एल कनेक्शन बनाते हो तो करेंट कॉयल में पोटेंशियल कॉल का करेंट भी जाता है अब करेंट कॉयल ही फिक्स कॉइल है अगर उसके अंदर अधिक करंट जाएगा तो वो ज्यादा फ्लक्स बनाएगी और अगर ये ज्यादा फ्लक्स बनाएगी मेरे बच्चों तो इससे ज्यादा टॉर्क लगेगा मूविंग कॉयल पे ज्यादा टॉर्क का मतलब है ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा यानी रीडिंग एक्चुअल से ज्यादा मिल जाएगी जिसका मतलब है देर इज एन एरर देर इज एन एरर तो देखो मैं क्या चाहता हूं कि करेंट कॉयल कितना एमएमएफ बनाए नंबर ऑफ टर्न इन द करेंट कॉयल इन टू आई एल ठीक है लेकिन जब एल सी कनेक्शन में व्हेन सी सी कैरीज एक्स्ट्रा करेंट अभी देखो डायग्राम पे ध्यान मत देना व्हेन सी सी कैरीज एक्स्ट्रा करेंट इन एल सी कनेक्शन तब इसका एम एम एफ कितना बन रहा होगा करेंट कॉइल का यह बन रहा होगा एन सी सी आई एल प्लस आई पी सी है ना क्योंकि इसके अंदर दो करेंट जा रहे हैं तो बेटा एक एक्स्ट्रा एम एम एफ बन रहा है ना एन सी सी इन टू आई पी सी इसको कैंसिल करना है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे हम एक और कॉयल बनाते हैं विच इज़ सेट टू बी और कॉम्पेंसेटिंग कॉयल तो देखो क्या करते हैं ध्यान से देखना ये, ये येल्लो वाली लाइन देखना पिंक वाली जो कॉयल है ना अंदर वाली वो है करेंट कॉयल और ये जो बाहर बाहर मैं येल्लो बना रहा हूँ दिस इज योर कॉम्पेंसेटिंग कॉयल एक कॉयल आपने ऐसी बनाई जो कि करंट कॉयल के ऊपर बंधी और जाके किस में जुड़ी मूविंग कॉयल में नजर आ रहा है बताओ ये येल्लो वाली जो कॉयल है अंदर वाली कॉयल करंट कॉयल है बच्चों आपकी और जो येल्लो वाली कॉयल है दैट इज योर कॉम्पेन्टिंग कॉयल दिस इज योर करेंट कॉयल दिस इज योर कॉम्पेंसेटिंग कॉयल अब देखो यहां से सप्लाई से जो करेंट आया ना करेंट कॉयल में वो लोड करेंट प्लस आईपीसी आया सप्लाई से कितना करंट आया करंट कॉइल में पिंक वाली कॉयल में आई एल प्लस आईपीसी अब बेटा यहां पे लोड में करंट गया आईएल तो ये जो आईपीसी है ना वो यहां से लौट गया ये यहां से लौट गया कंपेंसेटिंग कॉल में कितना जा रहा है आईपीसी और हमें कैसे पता सर आईपीसी ही जा रहा है क्योंकि बेटा यहां पे आईपीसी पहुंच रहा है ना तो मैं करंट कॉयल पोटेंशियल कॉइल को इस बार सीधे सीधे करंट कॉयल से नहीं जोड़ा मैं उसको किससे जोड़ा कंपेंसेटिंग कॉयल से तो क्या हुआ करेंट कॉयल आगे लेके गई IL प्लस आईपीसी उसने लोड को दे दिया आई आई लौटा दिया कंपेंसेटिंग कॉयल के थ्रू पोटेंशियल कॉइल में अब मेरे बच्चों यहां पे जो टोटल एमएमएफ बनेगा आप ये देखो ये जो करंट कॉल है ये तो करंट आगे ले जा रही है ऐसे पुट और कंपेंसेटिंग कॉयल पीछे ले आ रही है तो इनका जो नेट एमएमएफ बनेगा वो सब होके बनेगा वो सब होके बनेगा तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो कंपेंसेटिंग कॉइल है देखो नेट एमएमएफ ना आप ऐसे लिख लो नेट एमएमएफ आप ऐसे लिख लो कि कंपेंसेटेड सॉरी करंट कॉयल में जा रहा है आई एल प्लस आई पी सी कंपेंसेटिंग कॉयल उल्टा करंट ले जा रही है और कितना ले जा रही है आईपीसी मैंने नंबर ऑफ टर्न मान लिए है एन कंपेंसेटिंग डिजायरेबल एमएमएफ बस इतना होना चाहिए एन सी सी इन टू आई एल ठीक है तो वहां से ये रिलेशन बनेगा जिससे आएगा एन कॉम्पेंसेटिंग इक्वल टू एन सी सी यानी कि कॉम्पेंसेटिंग कॉल में भी बेटा उतने ही टर्न रखिए जितने करेंट कॉयल के अंदर हैं तो कॉम्पेंसेटिंग कॉल क्या करेगी जो करंट कॉयल का एक्स्ट्रा एमएमएफ है जो एक्स्ट्रा फ्लक्स है उसे कैंसिल आउट कर देगी जिससे कि ये जो सेकेंड वाला एरर है ये मिनिमाइज हो जाता है और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग और करंट कॉयल के कॉम्बिनेशन को आप कहते हो बाई फीलियर वाइंडिंग माने डबल लेयर वाइंडिंग

डबल लेयर वाइंडिंग समझ आया भाई मयंक कुंवर पुष्पाशीष जल्दी से बताओ समझ पोटेंशियल कॉइल अब, अब भाई आप इग्नोर कर रहे हो इंडक्टेंस को या इंपीडेंस को बट एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि जो आपकी कॉइल है उसकी इंडक्टेंस या इम्पीडेंस नहीं होगी बिल्कुल होगी तो पोटेंशियल कॉइल जो है आपकी अगर मान लो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इंडक्टेंस है तो मैंने बोला इसकी इंडक्टेंस है एल पी रेजिस्टेंस है आर पी और साथ में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा है आर एस तो आर पी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉइल एल पी क्या है इंडक्टेंस ऑफ करें इंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉइल तो मैं क्या बोलता हूं कि पोटेंशियल कॉइल का जो एम्पिडेंस है दैट इज आर एस प्लस आर पी प्लस जे ओमेगा एल पी ये है ठीक है अब यहां पे बेटा ये जो आर एस होता है ना दिस इज मच मच ग्रेटर देन आर पी आप तो जानते हो जैसे वोल्ट मीटर में सीरीज रेजिस्टेंस लगता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो आप जेड पी को कह देते हो इट इज अप्रोक्सीमेट आर एस प्लस जे ओमेगा एल पी अब यहां पे ना हम बना देते हैं बेटा इंपीडेंस ट्राइंगल क्या बना देते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल ठीक है देखो ये होता है आर एस ये होता है ओमेगा एल पी ये होता है जेड पी और इसका इंपिडेंस एंगल लिख देते हैं बीटा कितना बीटा समझ में आया हमारी इंपिडेंस हो गई पोटेंशियल कॉयल की जेड पी जिसका कि इंपिडेंस एंगल है बीटा अब मेरे बच्चों इससे एरर कैसे आएगा ये हमको समझना है इससे एरर अभी ना इग्नोर कर रहे हैं करंट कॉइल का इंपिडेंस अब ये मत कहना सर करंट कॉयल नियर द लोड है तो इसका तो एरर आएगा इग्नोर करेंट कॉयल रजिस्टेंस वो एरर मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ ना तो दोबारा दोबारा बात नहीं करूंगा वो एरर तो आ ही रहा है अगर करंट कॉयल नियर द लोड है तो उसका एरर तो आ ही रहा है अब देखो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि करेंट कॉयल क्या करंट कैरी कर रही है करंट कॉयल का जो करंट है वो लोड करेंट के बराबर है करेंट कॉयल का जो करंट है वो लोड करंट के बराबर है लेकिन पोटेंशियल कॉयल जिसका करेंट आप कहते हो आई टू अब इसका जो करेंट है ना बेटा वो वोल्टेज के सेम फेज में नहीं आएगा बल्कि इसकी इंपीडेंस एंगल बीटा होने के कारण आई टू विल लैग द वोल्टेज बाय एन एंगल बीटा मैं बोल रहा हूं ड्यू टू इंपीडेंस आई टू लैग्स वोल्टेज बाई एन एंगल बीटा ये लॉजिक समझ रहे हो पहले तो आपने ये बोल दिया था ना पोटेंशियल कॉइल का करंट, वोल्टेज के सेम फेज में आता है लेकिन अब तो ऐसा नहीं है अब तो बीटा एंगल लैक करेगा तो जब देखो फेजर डायग्राम बनाते हैं तो ये जो आई वन है ये तो लोड करंट के बराबर है इसमें तो कोई समस्या नहीं है लेकिन जो पोटेंशियल कॉइल का करेंट है ना बेटा आई टू वो वोल्टेज से बीटा एंगल लैक कर रहा है इसका मतलब आई वन और आई टू में अब की बार फाइव एंगल नहीं बन रहा फाइव माइनस बीटा बन रहा है माना बीटा बहुत छोटा होता है लेकिन फाइव माइनस बीटा बनेगा ये लॉजिक क्लियर हुआ अब देखो आप लोग जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पढ़े थे तो आपने क्या पढ़ा था आई वन आई टू कॉस फाइव मैंने यहां पे ये भी बताया था बेटा जब आज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पढ़ाया था कि फाइ इज एंगल बिटवीन आई वन एंड आई टू अब देखो आई वन और आई टू के बीच का एंगल फाई थोड़ी रह गया आई वन और आई टू के बीच का एंगल क्या हो गया फाई माइनस बीटा फाई माइनस बीटा तो आप कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी वॉट आई वन I1 तो आई लोड ही है I2 V वी बाय जेड पी कॉस फाइव माइनस बीटा इंटू डी एम डी थीटा ठीक है अब ये जो जेड पी है इसको आप ऐसे लिख सकते हो आर एस बाय कॉस बीटा क्योंकि आर एस जो होगा ना वो जेड कॉस थीटा होगा आप यहां पे देखो जेड पी को लिख सकते हो आर बाय कॉस है वही तो पढ़ा रहा हूं इंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉइल प्रोड्यूस द एरर तो यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर कितना हो गया वी आई कॉस बीटा कॉस फाइ माइनस बीटा बाय आर एस डी एम बाय डी थीटा ये हो गया ठीक है अब देखो पहले कितना आया था पहले कितना आया था टॉर्क अर्लियर तब टॉर्क आया था आपके पास ये तो हमने ये बोला था ना वीआई कॉस पाई तो पावर को रिप्रेजेंट करता है हमने ये बोला था ये वीआई कॉस पाई तो पावर को रिप्रेजेंट करता है तो अब मैं क्या बोल सकता हूं मेरे बच्चों कि यहां पे आपके पास ट्रू पावर तो होती है वी आई कॉस फाइ लेकिन अब वाला टॉर्क का एक्सप्रेशन देख के मैं कह सकता हूं मेजर्ड पावर होगी वी आई कॉस बीटा कॉस फाइ माइनस बीटा क्या होगी वी आई कॉस बीटा कॉस फाइ माइनस बीटा ये होगी ना लॉजिक क्लियर हुआ आई कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा अब मेरे बच्चों हम लोग यहां पे डिफाइन करते हैं करेक्शन फैक्टर करेक्शन फैक्टर का मतलब होता है कि आप मेजर्ड पावर को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें टू ऑप्टेन द ट्रू पावर आप मेजर्ड पावर को कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करें टू ऑपटेन द ट्रू पावर तो ये हो गया कॉस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा ये हो गया ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखो कॉस फाइव माइनस बीटा को ना ओपन अप कर लेते हैं तो कॉस फाइव कॉस बीटा प्लस साइन फाइव साइन बीटा अब नीचे से क्या करो डिनोमिनेटर में ना आप कॉस फाइव कॉमन निकाल लो और कॉस बीटा भी कॉमन निकाल लो कॉस फाइव अगर कॉमन निकालोगे तो न्यूमरेटर से कट जाएगा कॉस बीटा निकालोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा तो ये तो बचा वन मैंने कॉस फाइव कॉस बीटा पूरा कॉमन निकाल लिया है टेन फाइव टेन बीटा अगर मेरा बीटा स्मॉल है अच्छा देखो तुम चाहो तो यहां से एरर निकाल सकते हो ना बेटा डायरेक्टली मेजर्ड और ट्रू पावर पता है तो एरर तो निकाल ही सकते हो अगर मेरा बीटा स्मॉल है तो मैं कह सकता हूं कि कॉस बीटा इज अप्रोक्सीमेटली वन तो करेक्शन फैक्टर विल बी वन अपॉन वन अपॉन वन प्लस टेन फाई टेन बीटा और ये एक्चुअली है क्या ट्रू पावर बाय मेजर्ड पावर यानी मेजर्ड पावर बाय ट्रू पावर अगर आप कर लें उल्टा कर लें तो वन प्लस टेन फाई टेन बीटा मिलेगा ठीक है अब आप इसमें से अगर वन को लेफ्ट में ले आओ तो ये मिलेगा टेन फाइव टेन बीटा और अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे ना बेटा तो देख रहे हो ये एरर मिल गया मिल गया एरर सीधे सीधे लेकिन ये जो फॉर्मूला आया टेन फाइव टेन बीटा ये तभी एप्लीकेबल है जब बीटा आपका छोटा हो ठीक है तो आपका यहां पे बेटा क्या हुआ आपके पास ट्रू पावर थी वी आई कॉस मेजर्ड पावर थी वी आई कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा आपने यहां पे एक एरर निकाला इफ बीटा इज स्मॉल तो परसेंटेज एरर आपने निकाला क्या टेन फाइव टेन बीटा इन हंड्रेड परसेंट और दूसरी बात ये देखो ना आपका जो मेजर्ड माइनस ट्रू आया बाय ट्रू ये हुआ टेन फाई टेन बीटा ठीक है अब अगर ट्रू पावर आप राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट मेजर्ड पावर माइनस ट्रू पावर इट इज ट्रू पावर इंटू टेन फाइव टेन बीटा ट्रू पावर है वी आई कॉस फाइव तो वी आई कॉस फाइव इंटू तो टेन फाइव इज वी आई साइन फाइव टेन बीटा वी आई साइन फाइव टेन बीटा तो ये तो परसेंटेज एरर आ गया भाई और यह आ गया एब्सोल्यूट एरर लेकिन ये फॉर्मूले तभी वैलिड है वेन बीटा है 99 बीटा स्मॉल वैसे ऑफ़ द टाइम छोटा ही होता है तो एरर ये हो गया साइन फाइव पॉजिटिव आएगा एरर पॉजिटिव आएगा यानी मेजर्ड पावर इज ग्रेटर लीडिंग पावर फैक्टर पे फाइव नेगेटिव यानी साइन फाइव नेगेटिव यानी एरर लेस देन तो मेजर्ड पावर इज लेस देन द ट्रू पावर ठीक है तो मेजर्ड पावर ज्यादा आएगी ट्रू से अगर लैगिंग लोड है और लीडिंग लोड है तो मेजर्ड पावर कम आएगी ट्रू पावर से बात क्लियर हो गई भाई यहां तक बताइए बात क्लियर हो गई सब लोग को यहां तक जल्दी से बोलो एक बार जल्दी से बता दो तो, फटाफट सभी लोग बात यहां तक क्लियर है कि नहीं है, है ना आप देखो यहां पे आपने क्या देखा मेरे बच्चों कि एरर जो आ रहा है एब्सोल्यूट एरर दैट इज वी आई साइन फाइ टेन बीटा तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे लोड का पावर फैक्टर जैसे जैसे लोड का पावर फैक्टर कॉस फाई गिरता है फाइ यानी कि बढ़ता है तो आपका एरर भी बढ़ेगा और एरर कैसे चलेगा साइन की फॉर्म में इसीलिए तो देखो एरर ऐसा नजर आ रहा है आपको साइन के ग्राफ की तरह बढ़ रहा है ना नाइनटी तक तो यानी लो पावर फैक्टर पे बेटा एरर काफी ज्यादा हो जाता है इसीलिए सिर्फ ये जो डायनोमीटर वाला वॉट मीटर है ना ये लो पावर फैक्टर पे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि लो पावर फैक्टर पे एरर बहुत अधिक हो जाएगा बहुत ज्यादा एरर हो जाएगा ठीक है तो देखो यहां पे क्या क्या पता होना चाहिए ट्रू पावर पता है मेजर्ड पावर एरर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो लेकिन बीटा स्मॉल है तो एरर का एक शॉर्टकट है एब्सोल्यूट एरर होता है वी आई साइन फाइव टेन बीटा और लैगिंग पावर फैक्टर के लिए एरर पॉजिटिव होता है और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए एरर नेगेटिव आता है ठीक है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए एरर नेगेटिव आता है अब लो पावर फैक्टर वॉट मीटर में क्या करें देखो लो पावर फैक्टर में प्रॉब्लम क्या है ना कि आपका पावर फैक्टर लो होने के कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम है अब यहां तो एक तरीका हो सकता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ाने का कि आप आर एस को कम कर दो समझना बात को आप आर एस को कम कर दो लेकिन आर एस को कम करते ही बेटा बीटा बढ़ जाएगा क्योंकि टैन बीटा जो लोड की सॉरी पोटेंशियल कॉयल की इंपीडेंस है वो ये है अगर आप आर एस को कम करोगे तो बीटा बढ़ेगा सोच के देखिए बीटा बढ़ेगा तो एरर बढ़ेगा क्योंकि एरर इज प्रपोर्शनल टू टैन बीटा एरर इज प्रपोर्शनल टू टैन बीटा प्रॉब्लम हो गई तो आर एस को तो कम नहीं कर सकते मुझे प्रॉब्लम क्या है भैया कि लो पावर फैक्टर पे पोटेंशियल कॉयल की इंपीडेंस या पोटेंशियल कॉयल की इंडक्टेंस हाहाकार मचा देती है वो एरर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है दैट इज वॉट इज नॉट टॉलरेबल फॉर मी आप बात समझ रहे हो ये चीज मेरे लिए टॉलरेबल नहीं है कि पोटेंशियल कॉयल की जो इंडक्टेंस है उसके कारण मेरा एरर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है एट लो पावर फैक्टर यहां तो एरर और बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल कॉयल की इंपीडेंस का या इंडक्टेंस का इफेक्ट काटने के लिए आपने आर एस के पैरल में क्या लगाया एक कॉम्पेंसेटिंग कैपेसिटर जैसे याद है मूविंग आयरन वोल्ट मीटर में लगाया था तो लो पावर फैक्टर वॉट मीटर में आपको क्या चेंज करना पड़ता है यू हैव टू यूज अ कॉम्पेंसेटिंग कैपेसिटर यू हैव टू यूज अ कॉम्पेंसेटिंग कैपेसिटर टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस तो टॉर्क बढ़ाने के लिए आर एस कम करोगे और फिर इंडक्टेंस का एरर कैंसिल करने के लिए कंपेंसेटिंग कैपेसिटर लगाओगे आर एस तो फिर भी कम करना पड़ेगा वरना टॉर्क ही नहीं बढ़ेगा ना पहले भी मैं आर एस कम करना चाहता था लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एरर बढ़ जाता तो मैं आर एस को कम नहीं कर पा रहा था लेकिन अब मैं आर एस को सेफली कम कर सकता हूं क्योंकि ये जो मेरा कंपेंसेटिंग कैपेसिटर है इट विल मेक श्योर कि इंडक्टेंस का कोई असर ना पड़े बताओ भाई ये समझ आया कि नहीं आया फटाफट से अब लास्ट होता है बेटा एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या मतलब है अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर बेटा बाहर से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो यह मैग्नेटिक फील्ड भी मूविंग पे टॉर्क लगाएगी समझो मूविंग कॉइल पे आपने क्या बोला कि मूविंग कॉइल जब करेंट कैरी करती है तो अ करेंट कैरिंग कॉइल इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क यही बोला था ना अब वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी थी फिक्स कॉइल की लेकिन अगर बाहर से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड तो बदल गई ना ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अब हो गई की प्लस एक्सटर्नल तो इस कारण से मूविंग का टॉर्क भी बदल गया अगर मूविंग कॉइल का टॉर्क भी बदल गया तो इसका मतलब है रीडिंग भी बदल जाएगी तो दैट इज द एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड अब इससे बचने का एक तरीका है मेरे बच्चों सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं वी कवर द इंस्ट्रूमेंट बाय अ मेटल क्योंकि मेटल को फाड़ के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पाती तो आप एक मेटल की कवरिंग दे दीजिए तो उससे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना बाहर की वो अंदर नहीं जा पाएंगी और क्या कर सकते हो जो आपके हाई प्रिसीजन मीटर्स होते हैं वहां पे आप क्या करते हो मूविंग कॉइल को देखो दो पार्ट में बांट देते हो एम सी वन एम सी टू अब ये दोनों जो है ना इन दोनों का करंट आप अपोजिट रखते हो इन पे देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है डाउनवर्ड ही है लेकिन इनके करंट अपोजिट है जिस कारण से इन पे टॉर्क अपोजिट लगता है तो मूविंग कॉयल को अगर आप दो हिस्सों में बांट दो ऐसे बांटो कि दोनों का करंट अपोजिट हो तो दोनों पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का करंट अपोजिट जाए सॉरी फोर्स अपोजिट बनेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो समझ में आई बात आपने क्या किया आपने मूविंग कॉयल को दो हिस्सों में डिवाइड किया एंड बोथ द पार्ट्स कैरी करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन बट दे आर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड तो दे बोथ एक्सपीरियंस टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन जीरो ठीक है जरा ये क्वेश्चन देखिए द सर्किट इज यूज टू मेजर द पावर कंज्यूम्ड बाय ये वाला तो हम लोग कर चुके ना एक्चुअली हाँ ये वाला कर चुके चलो अगला देखो अ वोल्टेज हंड्रेड साइन ओमेगा प्लस सिक्सटी कॉस थ्री ओमेगा टी माइनस थर्टी प्लस फोर्टी साइन फाइव ओमेगा प्लस फोर्टी फाइव इज अप्लाइड टू अ प्रेशर कॉइल एंड करेंट थ्रू द करेंट कॉइल इज एंड थ्रू द करेंट कॉय ऑफ ये करेंट कॉयल का करेंट आपका पूरा नहीं दे रखा है हम्म कितना होगा ये आप ये लिख लो एट साइन ओमेगा टी Uh, क्या लिखे माइनस थर्टी है और कॉस है हंड्रेड साइन ओमेगा एट साइन ओमेगा लिख लो चलो सिक्स अब देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में जहां साइन कॉस और हार्मोनिक्स दे रखे हो तो ये मेक श्योर sure करना जो भी करंट और वोल्टेज है या तो वो साइन में है या तो वो कॉस में है जैसे देखो यहां पे फिफ्थ हार्मोनिक की जो वोल्टेज है वो साइन में है और करंट कॉस में है कॉस साइन 90 प्लस थीटा होता है ना तो आप चाहो तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो ठीक है ऐसे साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा अब ये पूछ रहा है भैया टोटल रीडिंग जो आएगी वॉट मीटर की उसमें कितनी पावर फंडामेंटल की है फंडामेंटल की पावर क्या होगी वोल्टेज है हंड्रेड करेंट है एट फोर हंड्रेड वॉट टोटल पावर क्या होगी देखो हंड्रेड इंटू एट बाय टू कॉस जीरो ठीक है यहां पे थर्ड हार्मोनिक तो है ही नहीं करेंट में तो थर्ड हार्मोनिक भूल जाओ फिर फोर्टी इंटू सिक्स बाय टू कॉस वोल्टेज एंगल माइनस करेंट एंगल ठीक है तो ये कितना आ जाएगा भाई ये क्लियर हुआ कैसे लेना है 284.08. अब यहां पे देखो फंडामेंटल पावर जो है ना टोटल पावर से भी ज्यादा है तो परसेंटेज 100 से भी ज्यादा बनेगी तो इस डेटा के हिसाब से तो नन ऑफ दीज आएगा है ना अगर मैं 400 हंड्रेड अपॉन टू करूं तो इट विल बी मोर देन 100 परसेंट फंडामेंटल की पावर टोटल से ज्यादा है अगला देखो जरा द करेंट कॉयल ऑफ अ वॉट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एम मीटर एंड अ इंडक्टिव लोड द वोल्टेज कॉयल इज कनेक्टेड एक्रॉस टू फोर्टी वोल्ट हंड्रेड हर्ट्स एम मीटर रीड्स फोर पॉइंट फाइव एम पीअर वॉट मीटर रीड्स ट्वेंटी थ्री वॉट वोल्टेज कॉयल हैनरी इग्नोर ड्रॉप अक्रॉस एम मीटर एंड करेंट कॉयलटेज एरर इन द वॉट मीटर रीडिंग अब देखो वोल्टेज कॉयल के इंडक्टेंस दे दिए और आपसे परसेंटेज एरर मांग रहा है निकालना जरा फटाफट से निकालो चलो आई एम वेटिंग आया भाई आंसर देखो पहले बीटा निकाल लो टेन इनवर्स ओमेगा एल पी बाय आरपी ठीक है तो टेन इनवर्स ओमेगा माने हंड्रेड पाई होगा फिफ्टी हर्ट्स ही बोला है ना हंड्रेड हर्ट्स बोला है एक्चुअली एल कितना है टेन मिली हेनरी डिवाइडेड by टू थाउजेंड ठीक है कितना आ रहा है ये बताओ बीटा पहले बीटा ही हमको निकालना चाहिए ना एरर के लिए तो टू हंड्रेड टू पाई तो पाई बाय थाउजेंड पॉइंट वन एट डिग्री देखो बहुत छोटा आ रहा है tan, सॉरी बीटा जो है आपका वैसे तो tan बीटा से ही काम हो जाता बट चलो ठीक है आपने बीटा निकाल लिया अब मुझे क्या चाहिए फाइव भी चाहिए अब देखो ये बोल रहा है एमीटर एम रीड कर रहा है साढ़े चार एमपियर वोल्टेज है दो चालीस और वॉट मीटर की रीडिंग है तेईस वॉट तो अब ये बोल रहा है कि करेंट वोल्टेज ड्रॉप अगर इग्नोर कर दें तो ऐसे कर लो देखो तेईस वॉट जो है दैट इज दो सो चालीस इंटू साढ़े चार मेजर्ड पावर है ना कॉस बीटा कॉस फाई माइनस बीटा यही तो होती है मेजर्ड पावर यहां से फाई निकाल सकते हो क्या करोगे ना 23 डिवाइडेड बाय 240 टू फोर्टी डिवाइड बाई फोर पॉइंट कॉस बीटा को भी नीचे ले जाओ अब जो वैल्यू आएगी वो होगी कॉस फाइ माइनस बीटा तो आप उसका ना कॉस इनवर्स ले लो तो फाई जो होगा वो आ गया 88.96 अब परसेंटेज एरर जब बीटा आपका काफी छोटा है तो टेन फाइव टेन बीटा इन टू हंड्रेड परसेंट लॉजिक क्लियर हुआ टेन फाइव टेन बीटा 17.3 पॉइंट थ्री आ रहा है बी ठीक है क्लियर हुआ ये चीज बताओ कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है कैसे हम लोग कर रहे हैं चलो अगला देखो

लोड के करीब कौन सी कॉल है बेटा प्रेशर कॉइल तब कितना एरर आएगा बताइए चलो भाई कम ऑन एवरीवन पॉइंट फोर वन तो यहां पे एरड किसकी वजह से आएगा बेटा एरर ड्यू टू पोटेंशियल कॉइल रेजिस्टेंस इंडक्टेंस नहीं है तो क्या हुआ रेजिस्टेंस तो है आपका एरर जो आएगा दैट विल बी ड्यू टू पोटेंशियल कॉल रेजिस्टेंस तो आपका जो एरर होगा ना वो कितना होगा 500 स्क्वायर और इसका रेजिस्टेंस 25 किलो में पच्चीस हजार तो 10 वॉट ठीक है अब यहां पे ट्रू पावर कितनी होगी 500 हंड्रेड इन ट्वेंटी इन पॉइंट टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड वॉट टेन बाय ट्वेंटी फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड तो पॉइंट फोर वन परसेंट आ जाएगा ठीक है पॉइंट फोर वन परसेंट आ जाएगा अब अगले एप्लीकेशन पे आते हैं बेटा पावर फैक्टर मीटर देखो ये भी डायनमोमीटर पे ही बेस्ड है यहाँ पे देखो क्या होता है फिक्स कॉइल के तो दो हिस्से हैं जिसमें कि लोड का करंट जा रहा है साथ साथ ना यहाँ पे मूविंग कॉयल भी दो बना दी गई है और ये जो दो मूविंग कॉयल है ना इनको आपस में नाइन्टी डिग्री पे रखा गया कितने पे रखा गया इन दोनों को आपस में नाइन्टी डिग्री पे एक मूविंग कॉयल जो एम है वो सप्लाई से तो जुड़ी है बट विदा रजिस्टेंस एम सी टू जुड़ी है सप्लाई से बट विद अ इंडक्टेंस बट विद अ इंडक्टेंस तो मूविंग कॉइल सप्लाई के अक्रॉस ही जुड़ी है बट एक के सीरीज में रेजिस्टेंस है और दूसरे के सीरीज में इंडक्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस अगर आर है ये ओमेगा एल है तो हमने ऐसे चूज किया है एल की वैल्यू टू ओमेगा एल यानी दोनों में करंट तो बराबर जाएगा लेकिन एक में रेजिस्टेंस एक में इंडक्टेंस होने के कारण दोनों करंट का फेज बराबर नहीं होगा तो इट कंटेन्स टू मूविंग कॉयल प्लेस डेट नाइनटी डिग्री टू इच अदर अब इसके अंदर बेटा अब इसके अंदर एम ए एम ए और बी मैं आपको बता दूं एम ए जो है ये है और ये है एम बी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ए की विद कॉइल तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किसके साथ है म्यूचुअल इंडक्टेंस विद फिक्स्ड कॉइल ए वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद फिक्स्ड कॉइल इज एम मैक्स कॉस थीटा इज एम मैक्स कॉस थीटा यानी कि ये मैक्सिमम होगा एट थीटा इक्वल टू जीरो इट विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू जीरो और बी वाले का एम मैक्स साइन थीटा होगा बी वाले का कितना होगा एम मैक्स साइन थीटा क्योंकि देखो अगर ये ए वाले का आप बोलते हो एंगल है थीटा तो ये बी वाले का कितना है बी वाले का नाइनटी डिग्री का शिफ्ट है ठीक है बी वाले का कितना है भैया आपका नाइनटी डिग्री का शिफ्ट है तो वहां पर साइन थीटा आ गया कॉस कीजिएगा अंकित बेटा कॉम्युनिकेशन का क्रैश कोर्स चल तो रहा है कॉम्युनिकेशन का क्रैश कोर्स चल तो रहा है ऑलरेडी इस चैनल पे ओम कुमार बेटा लास्ट लेक्चर के बाद तो छह सात दिन में काफी लेक्चर हो गए तो उसको वीडियोस में नीचे जाके ढूंढोगे तब मिलेगा ना लाइव वाले के अंदर कहाँ क्या गया ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा अब देखो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि फॉर ए ये वाला जो मूविंग कॉइल वन है ध्यान दीजिएगा ये वोल्टेज का फेजर है आपका इसके सेम फेज में ना आपका करंट का फेजर आएगा आई ए क्योंकि इसके सीरीज में रेजिस्टेंस है ना अब जो फिक्स कॉइल का करंट है वो तो लोड करंट है तो वो फाइव एंगल लैग कर रहा होगा यहां पे डी एम बाई डी थीटा जब आप करोगे तो आप लिखोगे कॉस है ना माइनस एम मैक्स साइन थीटा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज आई वन आई ए दोनों के बीच में एंगल है कॉस फाइव डी एम बाई डी थीटा अब आई वन तो है लोड का करंट यानी आई आई होगा वी आर कॉस फाइव इंटू माइनस एम मैक्स थीटा अब जब बेटा आप बी की बात करेंगे जब आप बी की बात करेंगे बी के अंदर आपका वोल्टेज का फेजर तो सेम रहेगा लेकिन जो आपका करंट है ना बी के ओ की बी के सीरीज में आपने क्या लगाया है एक इंडक्टर लगा रखा है तो बी का जो करंट आएगा वो 90 डिग्री लैगिंग आएगा अब जो लोड का करंट है वो तो बेटा ऐसे ही है ना लोड का करंट तो आपका ऐसे ही है फिक्स कॉइल के अंदर तो लोड का ही करंट है तो ये एंगल अगर फाइव है तो ये आपका 90 माइनस फाइव है तो आप यहां पे क्या कहोगे क्योंकि आपका साइन थीटा बन रहा था तो एम मैक्स कॉस थीटा अब यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर तो क्या होगा आई वन आई बी एंगल है 90 माइनस फाइव डी एम बाई डी थीटा तो आई वन है आई वी बाय ओमेगा एल ये साइन फाइव और एम एक्स कॉस थीटा अब देखो दोनों मूविंग कॉइल पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है तो नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ठीक है नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो दोनों का सम होगा अंकित बेटा क्रैश कोर्स से अगर नहीं भी होगा तो इतना टाइम थोड़ी बचा है कि कॉम्युनिकेशन का कॉम्प्रिहेंसिव कर पाओगे कहाँ है टाइम बताइए अब ओमेगा एल तो आर के बराबर ही है एम मैक्स भी आप कॉमन ले लो एक है कॉस थीटा साइन फाइव और माइनस साइन थीटा कॉस फाइव ठीक है ये आ गया ना नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यही आ गया भाई बताओ ठीक है मुझे बोलो एक बार यही आ रहा है सभी का आ, या फिर ना एक काम करो टोटल ना करके ना इन दोनों को इक्वेट कर दो आप इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दोगे ना तो आपका ये आ जाएगा कि अच्छा सही तो था वी आई बाई आर सही तो लिखा था हमने एम एक्स कॉस थीटा साइन फाई नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिख रहे थे ना सही तो था माइनस साइन थीटा कॉस फाई अब हम क्या कहते हैं ना बेटा कि आपका पॉइंटर रेस्ट पे तब आएगा जब ये टॉर्क आपका जीरो हो जाए ठीक है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना साइन फाइव माइनस थीटा इज जीरो तो इसका मतलब थीटा बराबर फाइव यानी डिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू द पावर फैक्टर एंगल हम क्या कह रहे हैं पॉइंटर विल कम टू रेस्ट व्हेन व्हेन योर डिफ्लेक्शन इज सेम एज द पावर फैक्टर एंगल तो हम क्या बोल रहे हैं पॉइंटर कम्स टू रेस्ट वेन टी डी इज जीरो कंडीशन ये आ रही है थीटा बराबर फाइव तो आप क्या करोगे ना बेटा स्केल पे जहां पर आपका नाइनटी डिग्री एंगल होता वहां आप जीरो लिख दोगे सिक्सटी डिग्री पे आप लिख दोगे पॉइंट फाइव थर्टी डिग्री पे लिख दोगे पॉइंट एट सिक्स सिक्स जीरो डिग्री पे लिख दोगे वन तो जहां पर जितना डिफ्लेक्शन होता आप डिफ्लेक्शन की जगह थीटा लिख दोगे पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस इक्वल टू मालूम चल गया डिफ्लेक्शन पावर फैक्टर एंगल के बराबर है तो वहां एंगल ना दिखाते हुए हमने क्या दिखा दिया कॉस अब इसके अंदर एक खास बात और बेटा दो मूविंग कॉइल होने की वजह से वो एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल कर रही हैं तो यहां पे कोई स्प्रिंग नहीं लगता किसी स्प्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती दोनों कॉयल एक दूसरे के टॉर्क को बैलेंस कर देती हैं बट डैम्पिंग के लिए यू विल यूज एयर फ्रिक्शन ठीक है लॉजिक समझ आया यहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं है दोनों कॉयल एक दूसरे के ही टॉर्क को कैंसिल कर रही हैं अगला होता है बेटा मैगर मैगर भी इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर पे ही बेस्ड है और इसका काम क्या है इसका काम है टू मेजर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो यहां पे भी देखो यहां पे जो आपने फिक्स कॉयल थे फिक्स कॉइल को रिप्लेस कर दिया है एक परमानेंट मैग्नेट से तो मैगर ऑल्सो कंटेन्स टू मूविंग कॉइल्स एट नाइनटी डिग्री टू इच अदर बोथ मूविंग कॉयल कैरी करेंट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपने क्या किया आपने यहां पर फिक्स कॉयल रिप्लेस कर दिए फिक्स कॉयल ज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जब मूविंग कॉयल करंट कैरी करेगी तो बेटा उस पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा टॉर्क लगेगा और जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तब आपका पॉइंटर रेस्ट पे आ जाएगा तो ये लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस सब कुछ मेजर करने के काम में आता है ठीक है तो ये क्या है कैन मेजर फ्रॉम वेरी लो टू वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था देखो लो रेजिस्टेंस कहाँ मिलते हैं आपको मशीन्स में ट्रांसफॉर्मर्स में जनरेटर्स में मोटर में हाई रेजिस्टेंस कहाँ मिलते हैं इंसुलेशन के अंदर यहाँ भी डैम्पिंग होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग अब देखो बात यह आती है काम कैसे करेगा देखिएगा यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा जो ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है अब इसमें एक कॉयल इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है एक कॉयल जो है ना इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाएगी और दूसरी कॉइल इससे 90 डिग्री पे रखी है ठीक है अब एक कॉयल में जो करंट आ रहा है आई वन ये वी बाय आर वन के हिसाब से जाएगा अब की बार देखो जैसे लास्ट टाइम एक में रेजिस्टेंस एक में इंडक्टेंस था ना इस बार दोनों में ही आपका रेजिस्टेंस है आर टू प्लस आर टी यहां पर आर टू क्यों लगाया सीधे आर टी क्यों नहीं क्योंकि बेटा अगर आर टी जीरो हुआ तो करंट बहुत हाई हो जाएगा तो आर टू इसलिए लगाया है कि अगर आर टी स्मॉल भी हो जाए तो भी आप करंट को लिमिट कर पाए अब बेटा दोनों पे देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है ना नॉर्थ से साउथ लेकिन दोनों कॉइल अलग अलग एंगल बना रही है विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड तो अगर मैं ये बोलूं बेटा यहां पे मूविंग कॉयल वन मूविंग कॉयल टू तो अगर मैं ये बोलूं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ वन ठीक है तो यहां पे क्या होगा आई वन बी कॉस थीटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ टू आई टू बी कॉस 90 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा अब आप क्या कहते हो बेटा कि दोनों टॉर्क का सम जब जीरो हो जाए तब आपका पॉइंटर रेस्ट पे आएगा ना जब टी डी वन प्लस टीडी टू आपका जीरो हो जाए यानी कि आई वन कॉस थीटा इक्वल टू आई टू साइन थीटा तो यहां से टेन थीटा हो गया आई वन बाय आई टू आई वन बाय आई टू हो गया एक सेकेंड आई एल क्रॉस बी करोगे ना तो यहां पे साइन आना चाहिए एक्चुअली आई एल क्रॉस बी करते ना तो हम ये कह देंगे रेस्ट पे तब आएगा जब आपका टी डी वन और टी डी टू इक्वल हो जाए तो यहां पे कॉस थीटा यहां पे साइन थीटा ये समझ आया आई एल क्रॉस भी होता है ना तो टेन थीटा हो गया आई टू बाय आई वन यानी आर वन बाय आर टू प्लस आर टी तो बेसिकली अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू प्लस आर टी तो इसका इन्वर्स स्केल बन गया ना यानी हाई रेजिस्टेंस पे कम डिफ्लेक्शन और लो रेजिस्टेंस पे ज्यादा डिफ्लेक्शन ये बात समझ में आई हाई रेजिस्टेंस पे कम डिफ्लेक्शन लो रेजिस्टेंस पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टी अब देखो लास्ट होता है आपका क्या पावर फ्रीक्वेंसी मीटर पावर फ्रीक्वेंसी मीटर का मतलब होता है विच कैन मेजर द फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी पावर फ्रीक्वेंसी होती है फिफ्टी हर्ट्स और सिक्सटी हर्ट्स तो ये किस फ्रीक्वेंसी में रेंज में मेजर करता है पावर फ्रीक्वेंसी की अब इसके अंदर क्या करते हैं ना बेटा इसके अंदर आप दो सीरीज रेजोनेंट सर्किट लेते हो जिनकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 50 हर्ट बस फर्क यह है बेटा कि एक की 50 हर्ट से कम है और दूसरे की 50 से ज्यादा है तो यहां पे देखो जैसे पहले सर्किट की 45 है दूसरे की यहां पे 55 है अब आपको क्या पता है बेटा सीरीज रेजोनेंट सर्किट में ये जो आप नेटवर्क के अंदर पढ़ते हो ना आर सर्किट एलसी सर्किट जो आप पढ़ते हो ठीक है इसमें अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो आपको मिलता है लैगिंग पावर फैक्टर और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम है देन यू गेट टू हैव लीडिंग पावर फैक्टर तो यहां पे देखो यही दिखाया है ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो इसके राइट में आ रहा है लैगिंग पावर फैक्टर और ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसके लेफ्ट में आ रहा है लीडिंग पावर फैक्टर तो हमने दो रेजोनेंट सर्किट ऐसे लिए हैं जिनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स के आसपास है ठीक है तो अब यहां पे देखो हमने क्या किया ये एलसी ऑसिलेटर बना दिया ना फिक्स क्वाल के साथ है ना हमने एलसी ऑसिलेटर बना दिया फिक्स क्वाल के साथ दो दो ऑसिलेटर बना दिए और एक कॉमन हमने मूविंग कॉइल बना दी ये जो मूविंग है इसमें कितना करंट जा रहा है दोनों की फिक्स करंट का सम तो फिक्स के जो दो सेक्शन होते हैं ना उन दोनों सेक्शन के साथ मेरे बच्चों आप लोगों ने एक एक रेजोनेंट सर्किट प्लेस कर दिया है एक 45 फाइव हर्ट वाला और एक 50 हर्ट्स वाला तो अब यहां पे क्या होगा जहां दोनों के करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वहां पे आपके पास एग्जैक्टली फिफ्टी हर्ट्ज आ जाएगी ठीक है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी आप लेते हो ना फिफ्टी हर्ट्ज, दोनों से इक्वी डिस्टेंट है ना दोनों से इक्वी डिस्टेंट होने के कारण क्या होगा कि अरे बाप रे, आपका जो करंट है दोनों से बनने वाला करंट आपका इक्वल आएगा देखो 45 से भी 50 उतना ही दूर है जितना कि 55 से है तो जो दोनों करंट आएंगे ना मेरे बच्चों वो आपके एकदम इक्वल एंगल्स पे आएंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड्स में आएंगे इक्वल एंगल पे आएंगे इक्वल मैग्नीट्यूड में आएंगे तो मॉड आई वन इक्वल टू मॉड आई टू एंड थीटा वन इक्वल टू थीटा टू तो दोनों के दोनों बोथ अप्लाई सेम टॉर्क ऑन मूविंग क्वि सो पॉइंटर एट जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंटर कोई डिफ्लेक्शन दे ही नहीं पाएगा ठीक है पॉइंटर कोई डिफ्लेक्शन दे ही नहीं पाएगा देखो ये जो F1 है 45 फाइव एक्चुअली आप इससे आगे हो तो आप इसके लिए तो लैगिंग बनोगे और 55 से पीछे हो तो उसके लिए आप लीडिंग बनोगे ठीक है 55 से तो पीछे हो ना जब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पीछे होते हो मेरे बच्चे तब आप क्या होते हो लीडिंग पावर फैक्टर अभी तो आपने बोला रेजोनेंस से पीछे लीडिंग रेजोनेंस के आगे लैगिंग तो देखो 50 हर्ट्स पे जब आप आओगे तब आप इस वाले के लिए F1 वाले के लिए लैगिंग हो गए और F2 वाले के लिए आप लीडिंग हो गए ऐसे ही मेरे बच्चों आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एक ना एक डोमिनेट कर जाएगा और अकॉर्डिंगली आपकी मूविंग कॉयल डिफ्लेक्ट हो जाएगी जो भी डोमिनेट करेगा उसी के अनुसार आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा लॉजिक क्लियर हुआ जो भी आपका डोमिनेट करेगा एक लैगिंग है एक लीडिंग है उसके अनुसार आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा ठीक है तो हम कह रहे हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी आइदर आई वन और आई टू डोमिनेट एंड वी गेट डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंगली तो जिस मूविंग कॉयल का करेंट ज्यादा होगा उसी के अनुसार आपको डिफ्लैक्शन मिलेगा सॉरी जिस फिक्स कॉइल का जिस फिक्स कॉइल का करेंट ज्यादा होगा वही ज्यादा टॉर्क लगाएगी और उसी के हिसाब से आपको मिलेगा डिफ्लैक्शन बेटा कौन से वीडियोज की बात कर रहे हो जो पब्लिक कराने की बात कर रहे हो और देखो सुजय सर से जो भी वीडियो पब्लिक कराना है वो ढांडे सर कराएंगे आप एक बार ढांडे सर से रिक्वेस्ट कीजिए ना इस बारे में चल अब जरा ये क्वेश्चन देखो अ मैगर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मैगर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बताओ मैगर किसके काम में आता है बोलो भाई फटाफट यस yes, मेनली जो है ना ये हाई रेजिस्टेंस के ही ज्यादातर काम में आता है ज्यादातर ये हाई रेजिस्टेंस के काम में आता है ठीक है ज्यादातर कंट्रोलिंग टॉर के ना मैगर इज प्रोवाइडेड बाय मैगर के अंदर कंट्रोलिंग टॉर कहाँ से आता है बताइए मैगर के अंदर कंट्रोलिंग टॉर कहाँ से आता है यस yes. इसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत ही नहीं होती दोनों मूविंग कॉयल एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल कर देती हैं अगला ये देखें अब पावर फैक्टर इन अ सिंगल फेस सर्किट कॉस फाइव इज पी बाय वी आई पी इज द पावर ऑफ वॉट मीटर वी इज द वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर आई इज द करेंट इन दीटर रेड विद लिमिटिंग एरर ऑफ वन परसेंट पावर फैक्टर कैन बी नोन इफ एंड ओनली इफ वन मीटर दैट इज इलेक्ट्रो मीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर अ लिमिटिंग एरर ऑफ वन वॉट मीटर यूजेंट यूज द प्रेफर्ड मेथड इज टू यूज सिंगल इंस्ट्रूमेंट रैदर देन थ्री इंस्ट्रूमेंट बिकॉज द एरर यूजिंग वॉट मीटर वोल्ट मीटर एम मीटर इज देखो ये कह रहा है पावर फैक्टर दो तरह से नापा जा सकता है एक तो कि आप पावर वॉट मीटर से निकाल लो वोल्टेज वोल्ट मीटर से करेंट एम मीटर से फिर पी अपॉन वी आई कर दो या फिर आप सीधे सीधे पावर फैक्टर मीटर से निकाल लो जिसका एरर है वन परसेंट अब प्रेफर यह किया जाता है कि सीधे सीधे पावर फैक्टर मीटर यूज करें क्योंकि जब तीन मीटर यूज करते हैं तब एरर कितना आता है बताओ जब तीन मीटर यूज करेंगे तो बेटा परसेंटेज एरर जो आएगा ना पावर फैक्टर में वो तीनों के परसेंटेज एरर का सम होगा वो तीनों के परसेंटेज एरर का सम होगा और तीनों में वन वन परसेंट का एरर है इसीलिए तो जब आप एक से अधिक मीटर यूज करते हो ना तो एरर भी आपका बढ़ जाता है प्लीज आंसर हाउ टू अ अल एंड कॉइल हाउ कॉइल ए एंड बी कैंसिल ईच अदर बेटा दोनों पे जब इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगता है तो उनका टॉर्क कैंसिल हो जाता है उनको हमने रखा ही इस तरह से है कि उनके टॉर्क अपोजिट लगें। अब देखो एनर्जी मीटर में नेक्स्ट मैराथन में कवर करूंगा एनर्जी मीटर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दो टॉपिक आपके कवर कर दूंगा अगले मैराथन के अंदर ठीक है तो आज यहीं तक रखते हैं आपका वॉट मीटर वाला पार्ट पूरा हो गया है ठीक है हाँ जी अब देखो जिस किसी बच्चे को मशीन अलग से तैयार करना है बेटा उनके लिए मैंने मशीन का कोर्स लॉन्च करा दिया है इसका पूरा वैलिडिटी एक साल तक रहेगा जितनी मर्जी बार देख सकते हो और इसका जो लिंक है ना वो यहां पे क्रिएट्रिक्स डॉट ग्राफी डॉट कॉम ठीक है इसके अलावा क्या हुआ ये अच्छा ये मुझे लग रहा है सड़क के चला गया है ऊपर ठीक है हाँ जी इसके अलावा देखो अगर अभी आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हो बेटा तो हमने थर्टी परसेंट रिड्यूस कर दिया है तो बेसिकली आपको थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है यूजिंग अंकित एस 24, 25 के नए बैचेस 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो बेटर होगा उससे पहले ज्वाइन कर लो ठीक है उससे पहले अगर ज्वाइन कर लोगे देन यू विल गेट दिस 30 परसेंट डिस्काउंट सिद्दीकी बेटा मैंने बता तो दिया क्या करना है आपको दो कॉल का जो टॉर्क है उनका अरेंजमेंट ऐसा है कि उन पर टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है अगर ये सोचो कि मेरे पास ऐसे दो पेन हैं ठीक है ये दो पेन है ये एक पेन क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज तो कहीं भी नहीं जा पाएंगे ना ये दोनों अगर जुड़े हुए हैं और एक घूमना चाह रहा है क्लॉकवाइज एक कह रहा है नहीं भाई एंटी क्लॉकवाइज चल तो नेट टॉर्क तो जीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना आपस में ठीक है बेटा मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा तो जो भी गेट अकेडमी वाली टीम है आप बेस्ट है कि ढांडे सर से रिक्वेस्ट कीजिए बिकॉज आई इवन डोंट नो कि कौन से लेक्चर्स की आप बात कर रहे हो और देखो अगर आप आई की तैयारी कर रहे हो बेटा तो आप गेट और यूपीएससी का कॉम्बो ले सकते हो फॉर आई ठीक है इसमें भी आप अंकित ई एस कोड लगा दो क्योंकि जीएस का जो बैच है वो हम 18 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और मेंस ऑप्शनल वाला जो बैच है वो हम 21 से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें फायदा यह गेट ई आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज और इसके अलावा आपका आई ये सब कवर हो जाएगा हाँ सौरभ नेक्स्ट वीक करेंगे नेक्स्ट क्लास और देखो इस संडे यानी कि कल आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है इसमें इस बार स्कॉलरशिप भी है तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं दे विल गेट स्कॉलरशिप जिससे कि वो लास्ट के मंथ्स में अनअकेडमी पे आके हमारे साथ मस्त तरीके से रिवीजन कर सकते हैं टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कल का टेस्ट जरूर दीजिएगा ठीक है और ये देखो मेरा लिंक है स्पेशल क्लासेस का यहाँ पे ना मैंने मेजरमेंट के क्वेश्चन भी करा रखे हैं तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ जाके कर सकते हो और इसके अलावा अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हो यू हैव टू ऑप्शन प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में ना टॉप टीचर मिलेंगे ऐप पे पूरा स्टडी मटेरियल है टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है ठीक है इसके अलावा आइकॉनिक के अंदर एक्स्ट्रा क्या है नए क्वेश्चन का डाउट सोल्यूशन आपको मिलेगा प्रिंटेड नोट्स घर भेजे जाएंगे वन टू वन मेंटरशिप मिलेगा स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान बना के दिया जाएगा ओपन हाउस सेशन में यू कैन इंटरेक्ट वाया ऑडियो हाँ बेटा ई का क्रैश कोर्स काफी है और देखो ये फोर मंथ्स की हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है आप यहाँ जाके अनअकेडमी पे जाके लाइट प्लान चूज कर सकते हो इस पे भी अगर अंकित ई कोड लगाओगे आपको और फि टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो यू विल गेट इट एट ओनली फोर फिफ्टी रूपीज इसमें सत्तर से भी ज्यादा टेस्ट है ठीक है आपको बस अन अकेडमी ऐप पे जाना है बेटा प्लान डिसाइड करना है ड्यूरेशन डिसाइड करनी है एंड देन यू सिंपली हैव टू यूज द कोड अंकित ई आप रिजल्ट्स देख सकते हो रिजल्ट्स बहुत गजब के हैं हमारे गेट 22 में टॉप 10 में छह रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए हैं आप भी बेटा इनमें से एक हो सकते हो अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हो और आप मेरी गाइडेंस में अगर तैयारी करते हो देन इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव कुछ भी चीज आपके परे तो नहीं है इसके अलावा ई के लिए जा सकते हो फाइनेंशियल इशू है तो यहां पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है आपको दो घंटे में ई अप्रूव होती है आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है फैमिली में किसी ऐसे मेंबर का जिनकी रेगुलर सैलरी आती है अब देखो लेटेस्ट बैच जो 2024 के लिए स्टार्ट हो रहा है वो 21 दिसंबर से हो रहा है विद नेटवर्क थ्योरी बाय ढांडे सर बुनियाद बैच फॉर 2025 विद नेटवर्क थ्योरी अगेन बाय आई सर और आईआरएमएस के लिए भी हम नेटवर्क से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क इज योर फंडामेंटल सब्जेक्ट बट जीएस के लिए हमारा जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है बेटा तो अगर आपको आई आर एम एस के लिए ज्वाइन करना है तो आप बेटर है अभी से ज्वाइन करें आपको इस सेशन का ये पीडीएफ अभी मिल जाएगा बेटा इस टेलीग्राम पे विद इन द नेक्स्ट मिनट्स तो आप यहां जाके डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको मेरे ओल्ड नोट्स चाहिए कंट्रोल सिस्टम और एनालॉग के तो अन अकेडमी एप के होम पेज पे जाना कम्युनिटी में डिस्कवर पे वहां मेरी कम्युनिटी मिल जाएगी और सारे पीडीएफ सो थैंक यू एवरीवन अब हम लोग बेटा मंडे को मिलेंगे पावर सिस्टम वाले ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स में और मेजरमेंट की अगली क्लास अगले वीक में लगाऊंगा क्या कराने वाला हूं एनर्जी मीटर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर थैंक यू लेट्स स्क्रैप